All of you, I welcome you all on your own channel, that is An Academy 11th and 12th. How are you guys doing? I hope you guys are doing well. Good evening, everyone. Good evening, wonderful people. Good evening, everybody. अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, अभी क्लास स्टार्ट हो चुका है आपका. आई होप आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ईच वन ऑफ यू. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. हेलो उज्ज्वल, हेलो विशाखा, हेलो एवरीबॉडी, हेलो लक्षिता. कैन यू गाइज सी मी, कैन यू गाइज हियर मी? एम आई ऑडिबल टू यू? एम आई विजिबल टू यू? गुड इवनिंग. Today's class is all about, it will be about your MCQ session that will be there for lessons, that is aapka last lesson and last spring, right? So aap log ka MCQ class hone wala hai. Guys, are you ready? Hello Vipin, hello hello everybody, hello hello hello, hi hi hi, good evening, good evening Vishakha, good evening everybody. Sab log ready hai ki nahi? बेटा चैट बॉक्स में सबने जल्दी से आंसर करना है. जैसे ही क्वेश्चन देखोगे फटाफट आंसर करोगे. सो आर यू रेडी? जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताओ यार, सब लोग रेडी है कि नहीं. हेलो लक्षिता, हेलो हेलो अनु, हेलो विपिन, हेलो साहिब आलम, गुड इवनिंग मुकुल, गुड इवनिंग, वंडरफुल वंडरफुल इवनिंग टू ईच वन ऑफ यू. आर यू गाइज रेडी? आई एम ऑडिबल एंड विजिबल, वेरी गुड विशाखा, हेलो अनुराग, गुड इवनिंग उज्ज्वल, गुड इवनिंग मुकुल. एक्साइटेड? एक्साइटेड बच्चा बाड़ी, हाउ इज द जोश? जल्दी से लिंक शेयर कर दो यार फटाफट. जिसने सेशन को लाइक नहीं करा है फटाफट लाइक कर दो, ठीक है. अनुष्का गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग अभिजीत, गुड इवनिंग बच्चा बाड़ी, फटाफट सेशन को लाइक कर दो गाइस. जिसने भी लाइक नहीं करा ना फटाफट लाइक कर दो यार. मेरा ना मोटिवेशन का काम करता है, आप लोग के लाइक्स देख के ना मोटिवेशन आता है, समझ रहे हो? हाँ बेटा, यस यस यस, फटाफट. हेलो हर्षिता, फटाफट फटाफट यार लाइक कर दो यार, सेशन लाइक कर दो सब लोग, है ना, लाइक कर दो फटाफट. आर यू रेडी? स्टार्टिंग 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 करें. हेलो हेलो गरिमा, गुड इवनिंग मुकुल. मेगा क्विज है, ठीक है. हम लोग दो चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं. कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चा? एक तो लास्ट लेसन के और साथ में लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट वन एंड टू. एक्साइटेड? एक्साइटेड एक्साइटेड. पार्ट वन एंड टू दोनों पढ़ेंगे. आप लोग का लॉस्ट स्प्रिंग का सारा क्विज है. जल्दी से आ जाओ सब लोग, फटाफट आ जाओ गाइस. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हर्षिता, गुड इवनिंग अभिजीत. चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर ड्यू. दिस इज क्विज 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 गाइस, ठीक है. हर संडे को क्विज क्विज रखेंगे यूट्यूब पे, है ना. अन अकेडमी पे तो करते ही है पर यूट्यूब पे ना करेंगे. हाँ पहला चैप्टर होगा, पहला चैप्टर का भी होगा. यस यस साहिब आलम, तुम्हारी स्टोरी का भी होगा आज क्विज. आज एकदम बढ़िया वाला क्विज होने वाला है, ठीक है. राउंड वन, राउंड वन, जल्दी से आ जाओ फटाफट स्टार्ट करें. सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो लिंक. बुला लाओ यार अपनी गैंग पीपल को, सब लोगों को बुला लाओ, अपनी जितनी भी तुम्हारी गैंग्स हैं सबको बुला लाओ, सबसे अपने फ्रेंड्स को बुला लाओ, ठीक है. क्विज फिर स्टार्ट कर रहे हैं. हेलो गीता, हेलो कॉमराड. लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ेंगे पहले चैप्टर नंबर टू, जो भी अभी ताजा ताजा पढ़ा था ना हमने पिछली क्लास में, उसके कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक है. अभी जो हमने ताजा ताजा पढ़ा था, ताजा तरीन अभी अभी जो हमने पढ़ा था ना लास्ट लास्ट क्लास में, क्या पढ़ा था ना? मेंटी नहीं है बच्चा, इट्स योर चैट बॉक्स, है ना. सबसे पहले जो चैट बॉक्स में आंसर करना है ना, चैट बॉक्स में करोगे, लाइव चैट में मुकुल, जैसे लाइव चैट चल रही है ना उसी में कुछ, उसी में आंसर करोगे आप लोग, ठीक है, इन द सेम लाइव चैट. फटाफट सेशन को लाइक कर दो यार गाइस, सब्सक्राइब कर दो चैनल अगर अभी तक नहीं करा है, ठीक है. चलो स्टार्ट करें. चलो 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 चलो, दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्लाइड फॉर माई ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बच्चा बाड़ी. पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, राइट. ठीक है, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस क्लास, ठीक है. आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस क्लास बच्चा. एंड यस बच्चा बाड़ी, दिस इज अ बिग अनाउंसमेंट. क्रैश कोर्स चल रहा है, उसी का पार्ट है बच्चा ये, उसी का पार्ट है.
Okay, the big announcement for all of you. My name is Dr. Kritika and I'm a dental surgeon by profession and educationalist by passion. I'm a motivator speaker and personality development trainer also. You can use this referral code to get a 10% discount. This is a chat, aap log ka telegram channel hai, live meet at chat daily. Isko aap apne description box mein jaake fatafat like aur join kar sakte ho. Hello Archana, good evening Vipin. An Academy का subscription देता है आपको live classes, you can interact with your educator, live polls मिलते हैं, leader boards मिलते हैं और live doubt solving session भी मिलते हैं आप लोगों को. Best educators मिल जाते हैं इंडिया के साथ में. जिसने भी An Academy का learning आप download नहीं करा है, फटाफट play store पे जाके कर लो. ठीक है, फटाफट manage कर लो. Class में कौन सी हो, 11th में हो, 12th में हो, आप लोगों को मिल जाते हैं joint subscription, iconic और plus combo subscription भी मिल जाते हैं. बच्चा ask a doubt is a very unique feature जो आप लोग को मिलता है यहाँ पर. Let's crack. Hello again. You can ask a doubt. You can just ask for queries. Combo subscription में आपको NEET, UG के educators मिल जाते हैं 11, 12 के साथ ही और IIT, JEE के भी educators मिल जाते हैं 11, 12 के साथ. तो this is a combo, है ना? और साथ में इसमें live session होते हैं बेटा. 12 month का भी ले सकते हो आप लोग, 24 months का भी ले सकते हो. अगर आप ये code लगा लोगे तो आपको 10% discount मिल जाएगा, है ना? तो overall आप लोग का cost जो होता है वो काफी कम आता है ना? चलो बेटा स्टार्ट करें. Let us quickly start with the class. Ready सब लोग? हाँ बेटा start कर रहे हैं, start कर रहे हैं. चलिए बच्चा फटाफट स्टार्ट करते हैं. वेलकम 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 एवरीबॉडी. आर यू रेडी? सब लोग रेडी है ना? मेगा क्विज है बच्चा. ठीक है, चलो क्विज फेज है बेटा, स्टार्ट करते हैं फटाफट. चलिए नंबर वन क्वेश्चन जो होगा वो आपका लॉ स्प्रिंग में से होगा, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. फर्स्ट क्वेश्चन, Who is the author of Lost Spring? सबसे पहले आंसर जो करेगा मैं उसका नाम यहां लिखूंगी. सबसे पहला जो आंसर करेगा और मैं आपको सही आंसर भी बताऊंगी कौन सा सही आंसर है. Your time starts now, guys. You can tell me the right answer. Yes, बेटा कुछ नवीन ने सबसे पहले आंसर दिया बेटा. कुछ नवीन, congratulations कुछ नवीन. इसके साथ साथ साहिब आलम ने भी को सही आंसर दिया बेटा. अनीस जंग. आज An Academy पे क्लास नहीं है बच्चा, आज An Academy पे क्लास नहीं है बच्चा. आज संडे है, टुडे यू टेक रेस्ट. ठीक है, आज नहीं है क्लास, कल होगी क्लास. ठीक है, अनीस जंग इज द राइट आंसर. वेरी गुड, वंडरफुल 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 बच्चा बाड़ी. अनीस जंग, इनका जन्म हुआ था बेटा रौड़केला में. ठीक है ना, हर आंसर का मैं एक फैक्ट बताऊंगी आप लोग का, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है आप लोग के लिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है. फटाफट सेशन को लाइक कर दो जिसने भी नहीं करा लाइक, और फटाफट सब लोग आंसर करोगे. गुड इवनिंग जुदा ब्रो, हेलो प्रोफेशनल गेमर्स करिमा त्यागी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग आयुष्मान, गुड इवनिंग कुंदन. हाँ बेटा विशाखा ने भी आंसर दिया है बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी जिसने आंसर दिया. सबसे पहले आंसर कुछ नवीन ने दिया था बेटा, जो सबसे पहले आंसर देगा मैं उसका लिखूंगी. हेलो कुंदन, हेलो गुरुजी सेवा, हेलो अनीस. यस बेटा हर्षिता, हाँ बेटा अनीस जंग ने. ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. हेलो हेलो भरत, बेटा पढ़ चुके हैं चैप्टर, अब मैं एमसीक्यू के थ्रू इसका रिविजन करा रही हूँ. ठीक है, एमसीक्यू के थ्रू इसका रिविजन करा रही हूँ. फटाफट यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो. 46 लर्नर मुझे दिख रहे हैं इस समय, लाइव दिख रहे हैं मुझे, है ना? 46 लर्नर मुझे दिख रहे हैं ना, और मुझे फटाफट लाइक्स नहीं दिख रहे उतने, है ना? फटाफट लाइक दे दो यार, लाइक कर दो सेशन को. अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो सेशन. ठीक है, सब लोग फर्स्ट है यार, बट मेरी स्क्रीन पे पहले जिसका नाम आया वो थे कुछ नवीन. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा. दिस स्टोरी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर. ऑथर ने कौन सी बुक में से ये छोटी सी स्टोरी ली है बेटा? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, अनवेलिंग इंडिया, ब्रेकिंग द साइलेंस, द सॉन्ग ऑफ इंडिया. पता नहीं किसने करा है डिसलाइक, आई डोंट नो. लाइक तो कर दो यार, मुझे 50 लर्नर्स दिख रहे हैं अभी सामने सामने, मुझे 50 लर्नर्स दिख रहे हैं. 50 ब्यूटीफुल पीपल आर देयर, 50 इंटेलिजेंट लर्नर्स आर देयर. बच्चा लाइक तो कर दो सेशन को. वेरी गुड, सबसे सही आंसर दिया. चैट दौड़ गई फिर से यार, चैट दौड़ गई है ना? हाँ बेटा चैट दौड़ गई फिर से बेटा. सही आंसर दिया है, सबसे पहले दिया रश्मि भट्ट ने. कॉन्ग्रेचुलेशन रश्मि, सबसे पहले आंसर दिया है रश्मि ने. कॉन्ग्रेचुलेशन रश्मि, इसका सही आंसर है बच्चा लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर बच्चा. मैं आपको सारे आंसर बताऊंगी राइट भी, और वो क्यों राइट है ये बताऊंगी मैं. ठीक है ना, वेरी गुड. ठीक है, समझ गए? हाँ बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ बेटा सबने दिया है, पर मेरी स्क्रीन पे सबसे पहले शो करा है ना वो रश्मि का नाम करा है. ठीक है ना,
हाँ बेटा, सबसे पहले आंसर सबने दिया, प्रतीक ने दिया, लक्षिता ने दिया है, गुनगुन, अभिजीत, अनुराग, सत्यम, अर्चना, अभिजीत एंड गरिमा त्यागी, अनुष्का चौधरी, अनुराग ने दिया है, 619 ने दिया है, फिर हारमन ने दिया है, दीक्षा ने दिया है, नवीन, अंशिका ने दिया है, आदित्य ने दिया है, दीक्षा जोशी ने दिया है ना, लक्षिता ने भी सही आंसर दिया है, सबने, जुदा ने भी सही आंसर दिया है बेटा, शौर्य ने भी सही आंसर दिया है, ड्रीम टू बी अ डॉक्टर ने भी सही आंसर दिया है। बहुत ही अमेजिंग बच्चे हो यार तुम लोग। हाँ बच्चा, अर्चना ने भी आंसर दिया है सही, कॉन्ग्रेचुलेशन ईच वन ऑफ यू जिसने भी सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बच्चा। ये थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी, ऑथर ने क्या बताया बेटा, रिच लोगों के बारे में बताया है, गार्बेज के बारे में बात करी है, गरीब बच्चों के बारे में बात करी है, और उनके एक्सप्लॉयटेशन बहिष्कार की बात करी है, या फिर उनके काम की बात करी है, किसके काम की बात करी है। गीता ने भी सही आंसर दिया है, अनुभव ने भी दिया है, यस, सबसे तेज आंसर दिया है, सबसे तेज आंसर दिया है बच्चा मुकुल शर्मा ने, और उसके बाद दिया है भारत ने, फिर दिया है आदित्य ने, जुदा, हरमन, रश्मि ने दिया है, ए शर्मा ने दिया, अनुष्का ने दिया है, खुशी ने दिया है, लक्षिता ने दिया है, अर्चना ने दिया है, शमम ने दिया है, शमन ने दिया है, अनुराग, वंशिका, अनुभव ने दिया है, दिव्या, छवि, आदित्य ने दिया है, किंग स्टार ने दिया है, अनुराग, अरोड़ा ने दिया है, गीता ने दिया है, साहिब आलम ने गलत आंसर दिया बेटा, गार्बेज के बारे में बात नहीं हो रही थी बेटा, गरीब बच्चों की बात हो रही थी और उनके एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही थी। ठीक है साहिब आलम, तुम्हारी स्टोरी है, तुम कैसे आंसर दे रहे हो यार। फिर कायनात ने भी सही आंसर दिया है बच्चा, दिव्या ने, महक, लक्षिता, हर्षदीप, निकिता, वंशिका, 69 तुमने सही आंसर दिया है, बट तुम कह रहे हो तुमने नहीं दिया, तो चलो ठीक है, तुम जैसा कह रहे हो मान लेती हूँ। जुदा ने भी सही आंसर दिया है, अर्चना ने सही आंसर दिया, अनुराग, नवीन, खुशी सिंह ने सही आंसर दिया है बेटा, अभिजीत ने सही आंसर दिया है, आदित्य शर्मा ने, अनुराग अरोड़ा ने, है ना, शमम ने, सबने सही आंसर दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी। हाँ बेटा मुकुल से तुम्हारा ऊपर है, अच्छा विशाखा ने दिया है बच्चा, हाँ फरहान ने भी दिया है, रस्तोगी ने दिया है सही आंसर, आदित्य रस्तोगी ने सही आंसर दिया बेटा, गरिमा ने सही आंसर दिया, हर्षिता ने सही आंसर दिया, हर्षिता मीना ने सही आंसर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें गाइस, जल्दी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कॉम्राड ने भी सही आंसर दिया है बच्चा, है ना, ठीक है, स्टडी विद अस ने भी सही आंसर दिया है। हाँ बेटा भंडारा चल रहा है बेटा, आ जाओ तुम भी थोड़ा सा प्रसाद ले लो मैम से, आ जाओ बेटा लर्न करें फटाफट। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, सेंट्रल थीम क्या है स्टोरी की, सेंट्रल थीम क्या है बेटा, पिटेबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, गार्बेज है, साहिब और मुकेश है, स्प्रिंग सीजन है। विशाखा ने भी सही आंसर दिया बच्चा, रौनक ने भी दिया है, आदित्य ने भी दिया है, भारत ने भी दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, छोटे बच्चों की तरह लड़ाई मत करो यार, कोई बात नहीं, सबने सही आंसर दिया बेटा, मुकुल ने भी सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं किसी का नाम नहीं लिख रही, क्योंकि फिर सब लोग लड़ाई कर रहे हो, तो नाम नहीं लिख रही हूँ मैं किसी का, जिसने भी सही आंसर दिया आई विल रीड द नेम्स, ठीक है, मुकुल, जुदा, ए शर्मा, अनुष्का, अर्चना, अनुभव, वंशिका, मुकुल, अर्चना, लक्षिता, आदित्य, विशाखा, अर्चना, अनुराग, कायनात, वंशिका, लक्षिता, शमम, शमन एंड सौरभ सिंह ने सही आंसर दिया, स्टडी विद अस ने सही आंसर दिया, छवि बोरा ने सही आंसर दिया, नवीन ने सही आंसर दिया है, नवीन शर्मा, आदित्य एंड अनुराग, हर्षदीप शर्मा, गुरुजी सेवा ने आंसर रीड कर दिया है, पता नहीं क्या लिखा था, दिव्या ने सही आंसर दिया है, आरके मिश्रा ने, अर्चना ने, अभिजीत, रश्मि भट्ट, खुशी, आदित्य, फरहान, स्टडी विद अस, राहुल जयकर, ओहो राहुल जयकर एंड सौरभ सिंह ने, भरत ने सही आंसर दिया, भरत कुमावत एंड गुरुजी सेवा ने फिर से मैसेज डिलीट कर दिया अपना, ठीक है, चलो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, सौरभ सिंह, गरिमा त्यागी, दिव्या, किसी का नाम छूट गया तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज चैट दौड़ रही है बच्चा, आई कैन नॉट रीड ऑल द, है ना, गोवत्स ने सही आंसर दिया है, राजेश ने सही आंसर दिया है, बलजिंदर ने सही आंसर दिया है, शशिकांत, अनु मलिक ने सही आंसर दिया बेटा, अनु मलिक भी आए हैं, कॉमराड ने सही आंसर दिया है, शशिकांत, हरमन ने सही आंसर दिया है, अनुराग ने सही आंसर दिया है ना, और 69 ने सही आंसर दिया है बेटा, बलजिंदर ने सही आंसर दिया है, अर्चना कुमार ने, अर्चना कुमारी ने सही आंसर दिया बेटा, इट दे आर टॉकिंग अबाउट द पिटेबल कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, क्या चीज फोर्स कर रही थी बेटा, मैंने किसी का नाम नहीं बोला है ना, क्वेश्चन 5, क्या चीज फोर्स कर रही थी बेटा उनको ये सब चीजें करने के लिए, ग्रीड, एक्सट्रीम पावर्टी, पियर्स या पेरेंट्स, है ना। चलिए
वेरी गुड विशाखा, अनुष्का, अभिजीत, फूड फ्रेंजी, छवि बोरा, मुकुल, अर्चना, विजय, जाकिया, हर्षिता, अनुभव, गरिमा, अभिजीत, शमम, रश्मि, अर्चना, सौरभ, स्टडी विद अस, आदित्य, वंशिका, अभिजीत, लक्षिता, कायनात, अनुराग, आदित्य, रस्तोगी, मंजीत, फूड फ्रेंजी, शमन, राहुल जयकर, दिव्या, साहिबे आलम, स्टडी विद अस, अनुराग अरोड़ा, अभिजीत सिंह, शिवानी शर्मा, हरमन सिंधु, जाकिया, फरहान, खुशी, लक्षिता, अर्चना, जयप्रकाश, अनुराग, गरिमा, वंशिका, सृष्टि शर्मा, है ना, कॉमराड एंड एंड हर्षिता मीना जयकर, देन हमारा प्रांजल केशवरानी एंड शिवानी, अनुराग, अर्चना, सबसे अच्छा आंसर दिया बेटा जायका, प्रांजल ने भी सही आंसर दिया है, महक ने दिया है, डियर कॉमराड ने दिया है, नवीन शर्मा ने दिया है, प्रांजल केशवरानी ने दिया है, केशरवानी ने दिया है, शिवदत्त यादव ने भी दिया है सही आंसर, दिव्या ने, प्रांजल ने, ड्रीम टू बी अ डॉक्टर, स्टडी विद अस एंड सो ऑन, बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग आंसर आ रहे हैं बच्चा, अमेजिंग अमेजिंग आंसर आ रहे हैं। चलिए नवकुल ने भी सही आंसर दिया है, नवकुल हुडा ने, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बलजिदर ने भी सही आंसर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए गार्बेज का क्या मतलब था, वेरी गुड बलजिंदर, मींस ऑफ एंटरटेनमेंट, मींस ऑफ जॉय, मींस ऑफ सोरो, मींस ऑफ सर्वाइवल, सही आंसर बताइए मुझे फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अर्चना ने, कुमारी ने भी सही आंसर दिया है बच्चा, बहुत सारे नाम है बच्चा, आई कैन नॉट टेक ईच वन ऑफ यू योर्स नेम, फटाफट यार सेशन को लाइक कर दो यार गाइस, जब जितने भी लोग हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबडी, सबने सही आंसर दिया, एकदम चैट दौड़ रही है आज, मजा आ रहा है बिल्कुल, आप लोग आग लगा रहे हो आज, एकदम रॉकिंग सेशन है यार, रॉकिंग रॉकिंग माई रॉकस्टार्स, सबने सही आंसर दिया बच्चा। हाँ बेटा क्वेश्चन ही पढ़ रही हूँ बेटा मैं, वेरी गुड वेरी गुड, आई कैन सी सो मेनी नेम्स बट इट्स वेरी इंपॉसिबल फॉर मी टू टेक ऑल द नेम्स, सो एवरीबडी हु हैज गिवन द राइट आंसर इज कॉन्ग्रेचुलेटेड फ्रॉम माई साइड, ठीक है ना, इसका सही आंसर है बेटा मींस ऑफ सर्वाइवल, बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस, तो ऐसे बहुत देर हो जाएगी अगर मैं सबके नाम लेने बैठूंगी, ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं यार, सबको मैं अप्रिसिएशन दे रही हूँ अपनी साइड से, लॉट्स ऑफ लव एंड सपोर्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, ऐसे रॉकिंग सेशन करते रहेंगे, ठीक है ना, चलो थैंक यू अनुराग। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मींस ऑफ सर्वाइवल, बच्चों के लिए वो वंडर था बट बड़ों के लिए वो क्या था बेटा, है ना, वो बच्चों के लिए वंडर की चीज थी, अजूबा था बेटा वो, पर गार्बेज बड़ों के लिए वो मींस ऑफ सर्वाइवल था। चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज का क्या मतलब था बेटा, टाइम पास, एंटरटेनमेंट, प्लेइंग या वंडर, वेरी गुड, सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट गाइस, सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट, सब लोग आंसर करिए बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई कैन सी सो मेनी राइट आंसर्स, शाबाश बहुत बढ़िया, चैट दौड़ा दो यार आज, आज दौड़ा दो, सब लोग आंसर कर दो यार, सब लोग आंसर कर दो यार, हाँ बेटा बहुत बढ़िया, सेवेंथ क्वेश्चन का है आंसर, सब लोगों ने सही आंसर दिया बेटा, डी वंडर, है ना, यस बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबडी, सबने सही आंसर दिया बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बढ़िया, डी आंसर इज द राइट आंसर बेटा, बच्चों के लिए वो वंडरफुल चीज थी, वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे नाम दिख रहे हैं मुझे बट यस, हाँ बेटा मैंने समझाते समझाते बता दिया था मैंने आपको, मुझे बताओ साहिब कौन था, साहिब का पूरा नाम बताओ पहले मुझे, साहिब का फुल नेम क्या था, पहले मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दो, साहिब का पूरा नाम क्या था बेटा, साहिब का पूरा, हेलो आभा गुड इवनिंग, हाँ बेटा साहिब का पूरा नाम बताओ पहले, ये वाला एक क्वेश्चन भी है, साहिब का फुल नेम क्या था बेटा, जल्दी बताओ मुझे साहिब का फुल नेम क्या था, थैंक यू दिव्या, गुड इवनिंग अभय, गुड इवनिंग आभा, कोई मुझे ये वाले आंसर भी तो बताओ, साहिब का पूरा नाम क्या था, शाबाश चैट दौड़ रही आज, आज दौड़ रही आज, आप आग लगा रहे हो, शाबाश साहिबे आलम, साहिब का पूरा नाम क्या था बेटा, साहिबे आलम, मुझे बताओ आप साहिब के नाम का मतलब क्या था, साहिबे आलम के नाम का मतलब क्या था बेटा, व्हाट वाज द मीनिंग, शाबाश हर्षिता बहुत बढ़िया, साहिबे आलम तो नाम था, आई अग्री विद यू, आई अग्री विद एवरीबडी हु सेड साहिबे आलम, मुझे बताओ नाम का मतलब क्या था, साहिबे आलम के नाम का मतलब क्या था बेटा, जल्दी से बता दो मुझे, यस जल्दी से बता दो मुझे, साहिबे आलम के नाम का मतलब क्या था, वेरी गुड नवकुल, वेरी गुड अर्चना, वेरी गुड शमन, कायनात, बढ़िया यार बहुत ही बढ़िया, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, क्या नाम का मतलब था, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, अब मुझे बताओ हु वॉज साहिब, अ शॉपकीपर, सर्वेंट, रैग पिकर या ऑल,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चैट दौड़ रही है बिल्कुल। आज आप लोग एकदम फायर पे हो, माय सुपरस्टार्स, माय आर्मी इज ऑन फायर राइट नाउ। शाबाश बच्चे शाबाश, वेरी गुड। एक इतना इमेंस रिस्पॉन्स आ रहा है ना, बढ़िया लग रहा है आज, है ना। कमेंट देख लो मेरा, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मैंने पक्का पढ़ लिया सबका कमेंट। बिल्कुल सही कह रहे बच्चा बाड़ी, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स था उनके नाम का मतलब, और वो एक रैग पिकर थे। सी आंसर इज द राइट आंसर, है ना। शाबाश शाबाश एवरीबॉडी, सी आंसर इज द राइट आंसर बेटा। रैग पिकर थे वो, उसके नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरा नाम था साहिब आलम, है ना। और कहाँ रहते थे बेटा वो, कहाँ रहते थे, चैट एकदम दौड़ रही है आज, मजा आ गया, है ना। कहाँ रहते थे बेटा, ही यूज टू लिव इन सीमापुरी, है ना। फटाफट यार लाइक कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज मुकेश। अब इससे पहले, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, मुकेश कहां रहता था, वेयर मुकेश यूज टू लिव, मुकेश वॉज लिविंग इन विच सिटी, वेयर प्लेस कहां थी, मुकेश कहां का रहने वाला था बेटा, मुकेश कहां का रहने वाला था बेटा, मुकेश सीमापुरी नहीं था बेटा, नो 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 नो, मुकेश की बात हो रही है बच्चा, मुकेश की बात हो रही है, साहिब आलम की बात नहीं हो रही, मुकेश कहां का रहने वाला था बेटा, नो मुकेश रहने वाला था बेटा फिरोजाबाद का, कहां का, फिरोजाबाद, मुकेश नहीं था फिरोजाबाद बेटा, आपका साहिब आलम था सीमापुरी का, मुकेश था बेटा फिरोजाबाद का, कहां का था बेटा फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है पहले मुझे ये बता दो, इसके अलावा भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आप लोगों से बेटा, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सारा थरोली चैप्टर रिवाइज करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। यस बेटा, वो फिरोजाबाद का रहने वाला था बेटा, फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस था, वहां पर क्या बनती थी, वहां पर क्या बनती थी, कुछ याद आया किसी को, फिरोजाबाद का रहने वाला था बेटा, ही वॉज अ बैंगल मेकर, वहां पर बैंगल्स बनती थी, बोले चूड़ियां बोले कंगना, है ना, तो कंगन और चूड़ी बनती थी वहां पर, बैंगल मेकर्स था। वेरी गुड वेरी गुड, इमेंस रिस्पॉन्स इन द कॉमेंट सेक्शन यार, एकदम लाइव चैट आज दौड़ गई है, मजा आ गया, शाबाश, वेरी गुड एवरीबॉडी। एंड मुझे बताओ हु वॉज मुकेश, मुकेश था कौन बेटा, मुकेश वॉज अ वर्कर, वो एक वर्कर था, समझ रहे हो, वो एक वर्कर था, शाबाश मजा आ गया यार, ही वॉज अ वर्कर, वो एक वर्कर था, हाँ बेटा चूड़िया बनाते थे बेटा, वर्कर थे वो, यस शाबाश। फटाफट सेशन को लाइक कर दो यार, जिसने भी लाइक नहीं करा सेशन को फटाफट लाइक कर दो, लाइक कर दो सेशन को फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शाबाश नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टेंथ क्वेश्चन, What are the reasons for the migration of people from villages to city in the lesson? Lesson के हिसाब से बताओ बेटा, बच्चा जो था वो गांव से शहर क्यों जाता था? Sweeping of houses and fields by storms. Storm के कारण उनका घर और फील्ड सब खराब हो चुका था, गरीबी के कारण, एडुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, और सेफ्टी के कारण। सही आंसर बताओ मुझे चैप्टर के हिसाब से। जनरल reasons कैन बी एंडलेस, जनरल रीजन बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, पर मुझे बताओ मेन रीजन क्या था इसका, मेन रीजन क्या था बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, कई लोग सी बोल रहे हैं बेटा, सी नहीं होगा इसका, है ना, सी नहीं होगा बेटा। चैप्टर के हिसाब से क्या हो गया था, चैप्टर में स्टॉर्म आ गया था बेटा, कहां पर आ गया था स्टॉर्म, बांग्लादेश में आ गया था स्टॉर्म, और वो लोग रहते थे ढाका में, और इसकी वजह से वो लोग माइग्रेट कर गए थे बेटा, कहां माइग्रेट कर गए थे, दिल्ली में, दिल्ली में कहां माइग्रेट करके थे बेटा, सीमापुरी में। सीमापुरी क्या था, सीमापुरी एक स्लम एरिया था बेटा, वहां पर सरवाइव करने के लिए लोगों को रैग पिकिंग करनी पड़ती थी। समझ में आया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, यस सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बच्चा, ठीक है, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे तब जाएंगे जब हमारे लाइक्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तभी प्रोसीड करेंगे, थोड़ा लाइक बढ़ाओ, थोड़े लाइक बढ़ाओ, थोड़ा मोटिवेशन लाओ क्लास में यार, थोड़े लाइक्स बढ़ा दो, थोड़े से लाइक्स बढ़ाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर, प्रॉमिस, शाबाश वेरी गुड, आई कैन सी द इमेंस रिस्पॉन्स, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग कीप सपोर्टिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैंने प्रॉमिस किया था नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेरा वादा रहा तुमसे, समझ रहे हो ना। थैंक यू अनुराग, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन इन यार, ऐसे मजेदार सेशन आते रहेंगे आप लोग के, मैं इंग्लिश पूरा अच्छे से प्रिपेयर कराऊंगी आप लोगों के लिए, है ना। चलो हेलो जीशान, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 11th क्वेश्चन, गियर अप, वेयर व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर, साहिब क्या ढूंढ रहा था, एग्स गोल्ड कॉइन्स या टॉयज, क्या ढूंढ रहा था, ही वाज स्क्राउंजिंग फॉर, एक वर्ड आया था अगर बुक में किसी ने ध्यान से पढ़ा हो ना, स्क्राउंजिंग फॉर डैश, क्या भरना था इसमें,
ही वॉज स्क्राउंजिंग. स्क्राउंजिंग का मतलब क्या था बेटा? सर्चिंग. क्या सर्च कर रहा था बेटा वो? गार्बेज. गार्बेज में क्या ढूंढ रहा था? गार्बेज में क्या ढूंढ रहा था बेटा वो? गार्बेज का क्या मतलब था उन लोगों के लिए? शाबाश बेटा. कॉइन्स नहीं ढूंढ रहा था बेटा, कॉइन्स नहीं ढूंढ रहा था, टॉयज नहीं ढूंढ रहा था, एग्स नहीं ढूंढ रहा था, गोल्ड ढूंढ रहा था, है ना. गार्बेज का मतलब था उनके लिए, क्या मतलब था गार्बेज का? गोल्ड, है ना. गार्बेज का मतलब था गोल्ड. अमेजिंग अमेजिंग माय बच्चा बाड़ी, माय आर्मी इज ऑन रॉकिंग राइट नाउ, रॉकिंग आर्मी. शाबाश एवरीबॉडी हु हैज गिवन बी आंसर इज द राइट आंसर. बच्चा गोल्ड ढूंढ रहा था, गोल्ड. गार्बेज को कंपेयर किया गया गोल्ड से, क्योंकि उसी से उसका ब्रेड एंड बटर आता था. ब्रेड एंड बटर मतलब रोजी रोटी, ठीक है बेटा. अगर गलत भी हो रहा है डिसअपॉइंटेड मत हो, डिसअपॉइंटमेंट नहीं आना चाहिए बेटा, है ना. डिसअपॉइंटमेंट नहीं आना चाहिए बेटा. अब आगे लर्न करो. मैं इसीलिए पढ़ा रही हूं ताकि एग्जाम में गलत ना हो. अभी गलत हो रहा है, इट्स ओके, टेक इट पॉजिटिव, टेक इट पॉजिटिव. एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए. चाहे यहां पर 1000 गलती करो, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए बेटा. मेन पर्पस क्लास का यही है, ठीक है. राइटिंग सेक्शन बेटा स्टार्ट करेंगे 14 मार्च से, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन पे. अब थोड़े से लाइक्स बढ़ाओ यार, थोड़े से लाइक्स बढ़ाओ, जल्दी से लाइक्स बढ़ाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. इज साहेब, मजा आ रहा है पढ़ाई में? नहीं आ रहा? पढ़ाई इजी लग रही? नहीं लग रही? यही पर्पस है क्लास का, पढ़ाई को इजी बनाना, अच्छे से समझ में आना, राइट. चलो चलिए. इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या साहिब टी स्टॉल पे काम करके खुश था? बेटा उसको आपको बता दूं, मैं आपकी नॉलेज के लिए 800 रुपए मिलते थे, साथ में ऑल मील्स, खाने के सारे मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ मिलता था बेटा. क्या वो खुश था? हाँ वो बहुत खुश था. हाँ भाई बहुत खुश था. ही अर्न्स मनी, पैसे कमा रहा था. कोई भी अर्निंग नहीं हो रही थी? नो अर्निंग, पैसे तो मिल रहे थे बट फ्रीडम चली गई. तो क्या आंसर सही आंसर है? क्या आंसर सही आंसर है? वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी. जिसने भी डी आंसर दिया है कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, एकदम सुपर से ऊपर बच्चे हो तुम लोग. क्या हो तुम लोग बच्चे? सुपर से ऊपर, सुपर से ऊपर बच्चे हो. कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी. वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया सेशन जा रहा है, एकदम चैट दौड़ रही है. समझ में आ रहा? नहीं आ रहा क्वेश्चन? समझ में आ रहा है सब लोगों को बेटा? वो नहीं मतलब ही वॉज नॉट हैप्पी. उसके पैसे तो कमा रहा था बेटा वो, पर फ्रीडम नहीं थी, उसकी फ्रीडम चली गई थी. डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर. नो ही वॉज नॉट हैप्पी बट ही वॉज अर्निंग मनी बट नो फ्रीडम, ठीक है, क्लियर है. हाँ बेटा, साथ में ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अपना मास्टर नहीं था वो. सुपर यार, ओपी क्लास हो रही है एकदम से आज ना. ओपी क्लास, ओपी फीलिंग आ रही है एकदम, है ना. बहुत ही बढ़िया क्लास हो रही है आज, आज अमेजिंग क्लास हो रही है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट एक्सक्यूज डू द रैग पिकर्स गिव फॉर नॉट वियरिंग चप्पल्स? वो नंगे पैर घूम रहे थे ना, तो उन लोगों ने क्या एक्सक्यूजेस दिए? जस्टिफाई कैसे करा उस चीज को कि भैया हम चप्पल क्यों नहीं पहनते? ये तो बोला नहीं कि पैसे नहीं है, ये बोला उसने कि मदर्स नहीं देती है चप्पल. उसने बोला इंटरेस्ट ही नहीं है बेटा, नंगे पैर आए थे हम, नंगे पैर जाएंगे. या बोला भाई हमारी परंपरा है, इट्स आर ट्रेडिशन, और ऑल ऑफ दीज. क्या सब चीजें बोली थी या सिर्फ एक चीज बोली थी इसमें से? क्या बोला था उसने? ऑल ऑफ दीज, ट्रेडिशन, इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मदर्स ने दी नहीं? राइट आंसर गाइज, राइट आंसर. आई वॉन्ट राइट आंसर. मैंने अभी पढ़ाया है, मैंने 1 घंटे पहले क्लास में पढ़ाया आपको ये चीज, है ना. मुझे बिल्कुल, मुझे पता है आप लोग मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, बिल्कुल सही आंसर दोगे बेटा. डी आंसर मुझे मेजोरिटी दिख रही है, डी आंसर, और सब लोग ठीक है डी आंसर. ओपी 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 ओपी, ओवर पावर ओवर पावर ओवर पावर, शाबाश. ओपी 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 गाइज, ओपी क्लास एकदम, है ना. कई बच्चों ने बोला था बेटा मदर्स, विशाखा, कई बच्चों ने बोला था मदर्स ने नहीं दिया. किसी ने बोला हमारा मन नहीं है बेटा, नंगे पैर आए थे, नंगे पैर जाएंगे. किसी ने बोला ट्रेडिशन है हमारा, भाई पैसे की कमी नहीं है, ट्रेडिशन है हमारा. ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, समझ रहे हो. ऑल ऑफ दीज राइट आंसर, ठीक है. डी आंसर इज द राइट आंसर बच्चा, कॉन्ग्रेचुलेशन, सबने डी आंसर दिया है बेटा. सी नहीं होगा बेटा, ट्रेडिशन के साथ से उसने बोला था कि मम्मी ने चप्पल दी नहीं, स्लैब पे पड़ी थी, ऊपर से उतार के मम्मा ने चप्पल नहीं दी. हेलो गरिमा, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेरी गुड यार, वंडरफुल सेशन, मजा आ गया आज क्लास में यार, मजा आ गया. सेशन को लाइक कर दो यार, लाइक करते जाओ. लाइक इज लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी. एक लाइक जो होता है ना वो मोटिवेशन का काम करता है ना ऋतिका, समझ रहे हो इशू? हाँ बेटा, यस बेटा, डी है. अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा. 14 क्वेश्चन, यस, ओपी ओपी क्लास है आज. तुम लोग यार अमेजिंग बच्चे हो यार, तुम लोग अमेजिंग बच्चे हो. चलो, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशन ऑफ द ग्लास चिल्ड्रन वर्स इन द ग्लास इंडस्ट्री?
चिल्ड्रन की कंडीशन कैसी थी बेटा? डार्क एंड डिंजी सेल्स, सफोकेटेड सेल्स थे, वहां पर लाइट नहीं थी, एयर नहीं थी, या फिर डार्जलिंग बहुत ज्यादा लाइट थी बेटा, वेल्डिंग लाइट बहुत ज्यादा थी, हाई टेम्परेचर था, या फिर ऑल ऑफ दीज? विच इज द राइट आंसर गाइज, विच इज द राइट आंसर? हाँ फरहान, एक्चुअली क्या होता है ना कि आप लोग रिलेट करते हो सॉन्ग से, तो मैं इसलिए थोड़ा सा आपको गा देती हूँ कभी कभी, है ना? वेरी गुड यार, चैट एकदम दौड़ा दो आज, सब लोग आंसर कर दो, बिल्कुल अमेजिंग अमेजिंग बच्चे हो यार तुम लोग, सब लोग एकदम आंसर कर रहे हो मजे से, एंड आई कैन अप्रिशिएट द राइट आंसर्स बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग भी बहुत अमेजिंग हो। अभिषेक शुक्ला, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट गाइज, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, यू ऑल आर अमेजिंग गाइज, यू ऑल आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, समझ रहे हो? हाँ जी, आप सब लोग कर सकते हो बेटा, मुझे 100 मार्क्स का जो टारगेट है ना, हमारा मिशन 100, वो पूरा हो सकता है अगर आप सीरियसली पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज, डी इज द राइट आंसर। गुड इवनिंग, आप सुबह जल्दी आ जाओ बेटा। हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, जल्दी से आ जाओ गाइज, सत्यम जल्दी से आ जाओ, सत्यम है ना? What is the function of glass blowing industry? उसका function क्या था बेटा, है ना? शादी के function की बात हो रही है, glass blowing industry के function की बात हो रही है बेटा, right रितिका? चलो answer करो फटाफट। Okay अभिजीत, right answer। To make windows, to make doors, to mold glass, to mold the glass and make colorful bangles। चूड़ी जो खनके बेटा, कहाँ की बात हो रही है? फिरोजाबाद की बात हो रही है, isn't it? फिरोजाबाद की बात हो रही है, अमेजिंग 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 एवरीबॉडी, यस वंडरफुल बच्चा बाड़ी, वंडरफुल, सो गुड टू सी द एंथुसियाज्म इन द चैट बॉक्स, लाइव चैट एकदम दौड़ा दी तुम लोगों ने, अमेजिंग गाइज, यस यस यस, ऑल माय डियर चिल्ड्रन आर राइट बच्चा, आपका 15th का है डी आंसर करेक्ट बेटा, ग्लास को मोल्ड करा जाता था बेटा, चूड़ी बनाई जाती थी उससे, बिकॉज फिरोजाबाद की बात हो रही है, फिरोजाबाद में ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री थी, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री इज फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स, कलरफुल बैंगल्स बेटा। आयरनी क्या थी मुकुल, मुकुल आयरनी क्या थी इसकी? फरहान आयरनी क्या थी? ये लोग दूसरों की लाइफ में तो एकदम मजे करा रहे थे बेटा, क्योंकि शादी के बाद जो चूड़ी पहनते हैं ना, वो विमेन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट सुहाग की निशानी है, दो चुटकी सिंदूर के साथ साथ चूड़ी पहनते हैं जो, राइट बेटा? वो दूसरों की लाइफ तो कलरफुल कर रहे थे बेटा, बट अपनी लाइफ वो लोग ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे थे बेटा, क्यों? क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है ना। हाँ बेटा, ओके गूगल, यस यस यस, आंखों की रोशनी चली गई थी उनकी, इसीलिए बेटा दूसरों की लाइफ में रंगीन करके अपनी लाइफ एकदम काली कर ली थी उन्होंने, ठीक है? सो डी इज द राइट क्वेश्चन, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मतलब नौकरी किसने दी थी लोकल फैमिलीज को फिरोजाबाद में? ब्यूरोक्रेट्स ने, मर्चेंट्स ने, पॉलिटिशियंस ने, या फिर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री ने? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीक इंग्लिश, यस आई एम स्पीकिंग बोथ द लैंग्वेजेस बिकॉज मेनी ऑफ द लर्नर्स दे आर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग हिंदी। सो मेरी क्लास का पर्पज क्या है बेटा जुबेर, कि सबको समझ में आए, है ना? तो आई एम स्पीकिंग इक्विवेलेंटली बेटा, आई एम स्पीकिंग बोथ द लैंग्वेजेस, आई एम बीइंग बायलिंगुअल राइट नाउ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, द मेन पर्पज ऑफ द क्लास इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, समझ रहे हो? अंग्रेजी भी बोलना सिखा दूंगी बच्चा आपको। आज आज 10:30 वाली क्लास नहीं है बच्चा, आज नहीं है, कल पढ़ेंगे। आ गया समझ में अर्चना? चलो, समझ नहीं आया मीनिंग, समझ नहीं आया बेटा। बेटा ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है बेटा जो ऑफिसर्स वाले लोग होते हैं ना, ऑफिसर्स अफसर शाही, उनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स। मर्चेंट बेटा क्या होता है? थैंक यू मोहम्मद यूसुफ एंड आई, यस थैंक यू सो मच बच्चा। मर्चेंट्स कौन होते हैं बेटा? छोटे छोटे वेंडर्स जो होते हैं उसको बोलते हैं मर्चेंट्स, है ना, जो आपके व्यापारी होते हैं। पॉलिटिशियंस आपको पता ही है ना, हमें वोट दे दो, राइट? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री ने भी दी थी, यस वंडरफुल एवरीबॉडी, है ना? यस बच्चा बाड़ी, यस डी इज द राइट आंसर बिकॉज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में बेटा मोर देन 10,000 बच्चे काम कर रहे थे, 10,000 राइट, 10,000 पीपल हैव ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, एवरीबॉडी फ्रॉम ईच फैमिली इज वर्किंग इन द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज इन फिरोजाबाद बिकॉज दैट्स अ प्रोफेशन, दैट्स द फैमिली लीनेज, दे वांट टू कैरी ऑन कैरी ऑन। मेरे पापा, उनके पापा, उनके पापा, उनके बच्चे सब लोग ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में ही थे, राइट? Exactly. So glass blowing industry was something. Glass blowing industry ऐसी industry थी बेटा जिससे सबको employment दिया था बेटा, लोगों को, child labor चल रहा था वहां पर, सब लोग चाहते थे child labor को रोकना, बट वहां पर लोगों को ना मानते नहीं थे child labor के बारे में, समझ गए? 15th question का answer समझ में नहीं आया बेटा। Mold मतलब होता है glass को ना उसको melt करके उसको ढालना, किसकी shape में ढालना? चूड़ी के shape में, ठीक है, समझ गए?
थैंक यू सो मच हर्षिता, आई हैव रेड योर कॉमेंट बेटा, आपने मुझे हार्ट दी थी, थैंक यू सो मच। यू कैन गाइज, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी ऑल्सो, आप लोग मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हो, मेरा नाम है कृतिका सबरवाल, आप लोग जाके मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो गाइज। अगर आप चाहते हो मोर सच अमेजिंग लेक्चर्स गाइज, मोर सच अमेजिंग लेक्चर्स, मैं आपका सेशन अटेंड करके सच में अच्छा दिन आएंगे, यस अच्छे दिन आएंगे बेटा, मैं लाऊंगी अच्छे दिन। आई वांट टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन ऑन यूट्यूब की यार, यूट्यूब पे पढ़ाई होती है बच्चों की, मस्ती नहीं करते बच्चे, हमारे सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। मैंने खाना खा लिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल योर एनर्जी। हेलो कृष्णा, चलो ऑल राइट उज्जवल, जैसे तुम कहोगे मैं बात मान लूंगी तुम्हारी। चलो चैट इज रनिंग सो फास्ट गाइज, आज एकदम जोश आ गया क्लास में सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, थैंक यू जुबेर, यू आर ऑल्सो फैबुलस। मैं खाती हूँ खाना, क्यों नहीं खाती खाना। व्हाट आर हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, हैजार्ड्स मतलब होता है बेटा क्या क्या चीजें नुकसान थी, डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं, हैजार्ड्स मतलब होता है डिसएडवांटेजेस, है ना, क्या डिसएडवांटेजेस थे बेटा। थैंक यू सो मच विशाखा, हाँ बेटा मैंने भी आपका कॉमेंट पढ़ा था, आई वॉज अबाउट टू से, मैं भूल गई, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। अच्छे दिन आ गए बेटा, ऑलरेडी आ गए, आप लोग मेरे साथ जुड़ गए, अच्छे दिन आ गए, मैं आपके अच्छे मार्क्स लाऊंगी तब कहोगे अच्छे दिन आ गए, है ना। चलो यू आर गोइंग टू रिमेंबर मी फॉर योर लाइफ एंड आई एम रिमेंबरिंग यू फॉर माय लाइफ। चलो बच्चा है ना, साथ में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, टारगेट अपना 100 पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए क्या क्या रीजन था बेटा, राइटिंग सेक्शन उज्जवल 14-15 से स्टार्ट करूंगी बेटा। हैप्पी बर्थडे श्रद्धा, किसका बर्थडे है बच्चा। चलो बच्चा लेट्स स्टार्ट बेटा, क्या हैजार्ड थे, पुअर हेल्थ हो गई थी, इम्पेयर्ड विजन, ढूंढो इम्पेयर्ड विजन, है ना, आंखों की रोशनी खराब हो गई थी, मिजरेबल लाइफ थी, या फिर ऑल ऑफ दीज बेटा। व्हेनेवर इन डाउट ऑल ऑफ द अबव लगा दो आंसर, अगर दो आंसर मैच कर रहे बिना सोचे समझे ऑल ऑफ अबव लगा दो बेटा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज, है ना, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, नो प्रॉब्लम, सब लोग जुड़ गए, शाबाश। मेरा बर्थडे नहीं है अभी यार, मेरा बर्थडे क्यों मना रहे हो तुम लोग। हाँ तुम लोग रिपीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन जस्ट रिवाइंड द सेशन एंड यू कैन वॉच इट गाइज, नो प्रॉब्लम, है ना। थैंक यू गर्ल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मेरा बर्थडे नहीं है अभिजीत, तुम क्या कर रहे हो यार, मेरा बर्थडे नहीं है। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में जो एक कंडीशन थी ना पुअर बैंगल मेकर्स की कंडीशन के लिए, कौन जिम्मेदार था, पेरेंट्स, सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स और ऑल, है ना, कौन रिस्पॉन्सिबल था बेटा, कौन रिस्पॉन्सिबल था। चलो जल्दी बताओ मुझे, वेरी गुड, कई लोग डी बोल रहे हैं बेटा, इसमें कोई डाउट ही नहीं था, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं थे बच्चा, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी बेटा, अब क्या बचा। वेरी गुड नंदनी, वेरी गुड रोहन, नो विशाखा, डी इज नॉट राइट आंसर बेटा, नो पेरेंट्स वर नॉट रिस्पॉन्सिबल, सोसाइटी वॉज नॉट, ब्यूरोक्रेट्स वर रिस्पॉन्सिबल बेटा, ब्यूरोक्रेट्स, सी इज द राइट आंसर गाइज, एवरीबॉडी सी इज द राइट आंसर गाइज, यस। हेलो कलीम, द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स, यस कन्हैया सही आंसर कह रहे हो तुम लोग, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, फटाफट सब लोग आंसर कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ओपी, व्हाई डिड साहिब लीव ढाका, साहिब ने ढाका क्यों छोड़ा, ढाका से क्यों तोड़ा उसने अपना नाता, ढाका नाता क्यों तोड़ा ढाका से, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, बताओ, कोई बात नहीं आदित्य अभी सही कर दो बेटा, किस क्या चीज जरूरी थी उनके लिए, रिसोर्सेस जरूरी थी, खाना जरूरी था, फ्रेंड जरूरी था या पेरेंट्स जरूरी थे, क्या चीज है राइट आंसर बेटा, इसका राइट आंसर है बेटा, इसी बात से पहचान लो कि उनका उनका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था बट उनके पास राशन कार्ड थे, राशन से क्या होता है बेटा, राशन से मिलता है खाना, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, तो उनके लिए फूड वॉज द अटमोस्ट प्रायोरिटी, फूड उनके लिए बहुत अच्छा प्रायोरिटी थी बेटा उनकी, नो बेटा लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं थी बेटा, लैक ऑफ फूड था, क्योंकि अगर आपको याद हो जो एक वो टैटर्ड साड़ी में जो एक औरत बैठी हुई थी उसने क्या बोला था, हम यहां रहना पसंद करेंगे स्लम में अगर हमारे पेट भर खाना हमें मिल गया हो, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है कायनात, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है ऑफिसर्स जो होते हैं, है ना, जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स, राइट, अफसर शाही बेटा, बी इज द राइट आंसर गाइज,
ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है साहिब आलम, अफसर शाही, अफसर शाही मतलब होते हैं ऑफिसर्स वाले जो लोग होते हैं, ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। बी इज राइट ऑप्शन बेटा, क्योंकि उनका राशन कार्ड, मैं तीन रीजन दे रही हूँ आप लोगों की बी राइट आंसर क्यों है। पहला, उनका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था बट उनका राशन कार्ड में नाम था। सेकंड, जो टैटर्ड साड़ी पहन के, फटी फटी साड़ी पहन के जो एक औरत बैठी थी वहां पर, उसने ये बोला था कि अगर हमें पेट भर के खाने को मिल रहा है देन आई विल प्रेफर लिविंग इन स्लम्स रादर देन लिविंग इन द बैरन लैंड्स। ढाका की बात करी थी वो कि वहां पर मुझे रहना मंजूर नहीं है क्योंकि मुझे वहां पर खाना नहीं मिलता था, बिकॉज खाना वॉज समथिंग प्रायोरिटी। स्टॉर्म आ गए थे बेटा वहां पर रिजवान, यस रबिया बिल्कुल सही कह रही हो, स्टॉर्म्स आ गए थे वहां पर, राइट और इस वजह से वो लोग आ गए थे माइग्रेट करके इंडिया में। इंडिया में कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली में कहां पर? सीमापुरी। सीमापुरी कहां पर बेटा? आपका पेरिफेरी में है दिल्ली में, और कहां पर है दिल्ली? ईस्ट दिल्ली में है सीमापुरी। समझ गए? समझ गए बेटा? क्लियर है? क्लियर है? सब लोग स्प्राइट पी ली सबने? क्लियर है? आगे बढ़े। अमेजिंग अमेजिंग सेशन, अमेजिंग सेशन। चैट दौड़ा दो यार, एकदम से दौड़ा दो। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल? साहिब आलम स्कूल क्यों नहीं जाते थे बेटा? क्या वो इंटरेस्टेड नहीं थे? क्या उनके पास पैसे नहीं थे? बक्स मतलब होता है पैसे, मनी, अपना सपना मनी, मनी अपना सपना मनी, मनी पैसे, ठीक है। मेरा बर्थडे मना लो तुम लोग। Wants to go for a movie, wants to earn, पैसा रोकड़ा कमाना था उसको, या फिर उसको मूवी के लिए जाना था, है ना, या फिर उसके पास पैसे नहीं थे, या फिर उसको इंटरेस्ट नहीं था। बेटा देखो, जितने लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं, ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर उसको इंटरेस्ट नहीं होता, जब उसे ऑथर ने ना झूठ में बोला था कि मैं जब स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आ जाओगे, है ना, तो उसने बोला था क्या तुम्हारा स्कूल बन गया, तो उसको लगा नहीं था कि वो इंटरेस्टेड होगा। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होता तो वो स्कूल के बारे में नहीं पूछता, तो ये नॉट इंटरेस्टेड वाला पॉइंट गलत हो गया। समझ रहे हो? नॉट इंटरेस्टेड वाला पॉइंट जो है वो गलत हो गया बच्चा। उसके पास बक्स, बक्स मतलब क्या होता है? मनी। समझ रहे हो? बक्स, बक्स बनी मतलब मनी, मनी बनी मनी, तो बक्स बनी तो मनी, बक्स मतलब है मनी। उसके पास पैसे नहीं थे बेटा। यस यस, बी इज द राइट आंसर। वंडरफुल वंडरफुल बच्चा बाड़ी, वंडरफुल यार, मजा आ गया है ना। क्लास को एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये बताओ मुझे। मुद्दे की बात, मुद्दे की बात, इंग्लिश का डर निकल रहा है? निकल रहा। एंजॉय कर रहे हो क्लास को? नहीं कर रहे हो? ऋतिका कह रही है यस मैम। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? जनता क्या कहती है? जनता जानना चाहती है आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो? कितने लोग क्लास को एंजॉय कर रहे हैं? हाँ बेटा कर रहे हो चिराग, वेरी गुड, सब लोग कर रहे हैं, चलो बढ़िया बढ़िया। अनुष्का भी कह रही है, ऋतिका भी कह रही है, दादा भाई भी कह रहे हैं, दादा भाई, दादा भाई राम राम, चलो यस बेटा। कृष्णा भी कह रहा है, मंजीत भी कह रही है, कलीम भी कह रहा है, यस यस, सो मच फन। मैं मिल नहीं रही हूँ अकेडमी पे यार शिवानी, कैसी बातें कर रही हूँ यार, मैं मिल नहीं रही हूँ तुम्हें। ओके, मैं एक काम करती हूँ, टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अन अकेडमी में मिल जाएगी मैम तुम्हें यार, बहुत अच्छा लग रहा है, समझ रहे हो? यस फरहान, फरहान यस यू कैन, नो नो मैं नहीं कर सकती फुल नेम यार, तुम कैसे मुझे सरप्राइज दे रहे हो, ऐसे मत करो। स्पीकिंग कैसे ठीक होगी विजय? स्पीकिंग होगी बेटा जब आप अपने, पता है जिसको भी डर है, मैं आपको ट्रिप एक टिप दे दूँ, टिप देती हूँ, ठीक है, टिप दे रही हूँ बेटा मैं। जिसको भी डर लगता है ना बोलने से, वो शीशे के सामने, मिरर होता है ना, मिरर, आईना, आईने के सामने खड़े हो जाओ और बोलो मैं चेंज हो गई हूं। मेरा टेली लिंक यही बेटा दे रखा है, लाइव मी चैट डेली जो है ना आपका, वही है टेली लिंक, यही बेटा ऐसे जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसके डिस्क्रिप्शन में जो दिया है। हेलो हनुमत, हेलो हनुमत राठौर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आज बेटा बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो मैम, थैंक यू दिवाकर, सुपर से ऊपर, मेरे सुपर से बच्चे, अभी आप भी तो सुपर ऊपर आर्मी हो यार, तुम लोग मेरी सुपर आर्मी हो तुम लोग। हाँ बेटा कोई बात नहीं है, पागल बोले कुछ बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, यू आर एंजॉइंग द क्लास ना, नो प्रॉब्लम, नथिंग एल्स मैटर्स, यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग, यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट्स द मेन थिंग। चलो चलो, यस हनुमत राठौर गुड इवनिंग, आ जाओ। What is the meaning of साहिब आलम? अभी पढ़ा था, एक घंटे पहले पढ़ा था हमने। साहिब आलम का नाम का मतलब क्या था? अभी स्टार्टिंग में बताया था मैंने, स्टार्टिंग में बताया था, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में। बेटा जो लाइव मी चैट डेली है ना उसमें कर लो, उसको कर लो। What about राइटिंग सेक्शन बेटा? स्टडी विद अस 14th से स्टार्ट होगा आपका राइटिंग सेक्शन, जल्दी बताओ, चैट दौड़ा दो यार, चैट दौड़ा दो फटाफट। बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक मुझे भेजने वहां पर, मैं नोट्स की लिंक भेज दूंगी आप लोगों को। चैट दौड़ा दो बेटा, राइट आंसर बताओ मुझे फटाफट। अंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, हैप्पी बर्थडे श्रद्धा, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
हाँ खुशी, व्हाट हैपेंड, क्या हेल्प करनी है बताओ। नो हाशिम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वेरी गुड यार, वंडरफुल, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। यस, बक का मतलब होता है बेटा पैसा। जुबेर, बक का मतलब होता है पैसा, अपना सपना, मनी मनी, बक्स मतलब होता है पैसा पैसा, रोकड़ा रोकड़ा, बक का मतलब जुबेर पैसा होता है। कितने क्वेश्चन है बेटा? 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। ओके खुशी, मैं समझा दूंगी आप लोग को। मैंने ग्रामर की क्लास रखनी है आप लोगों के लिए बेटा, राइटिंग सेशन 15 से स्टार्ट करूंगा। यस यस यस, 15 से करूंगी। यस 14-15 से हो जाएगा। माई आईज आर हर्टिंग, माई हार्ट इज बीटिंग फास्ट। यस बेटा, नाम का मतलब था बेटा लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, है ना। वो करते क्या थे बेटा? आयरॉनिकल था जो वो करते थे ना, उनकी सिचुएशन आयरॉनिकल थी, कॉन्ट्रास्ट थी बेटा, है ना। वो रैग पिकिंग करते थे। क्या करते थे? वो रैग पिकिंग करते थे बेटा, और उनका नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। हेलो बालेश्वर प्रसाद, गुड इवनिंग। पहाड़ी हो रही है? यस, पहाड़ी की फीलिंग आ रही है आज मुझे। यस यस, पहाड़ी हो रही है, इंग्लिश की पहाड़ी हो रही है। यस यस यस, कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज साहिब एम्प्लॉयड? साहिब को कहाँ जॉब मिली थी बेटा? थैंक यू अभिजीत, यू आर ऑल्सो द बेस्ट चाइल्ड, एवरीबडी इज बेस्ट। माई माई बच्चा पहाड़ी, सुपर से ऊपर मेरे बच्चे पहाड़ी, सुपर से ऊपर। यस अर्चना, नहीं आइडिया बेटा मुझे, रोशनी, मुझे कोई आइडिया नहीं है जेई का रिजल्ट का। ठीक है, नमो सर से पूछना। वेयर वॉज साहिब एम्प्लॉयड? साहिब कहाँ काम कर रहा था बेटा? टी स्टॉल में, सीमापुरी में, साड़ी की दुकान में। साड़ी ले लो, ज्वेलरी ले लो, मिठाई ले लो, कहाँ काम करता था वो? चाय ले लो, चाय पी लो फ्रेंड्स, चाय पी लो फ्रेंड्स। टी स्टॉल पे काम करता था सीमापुरी के, साड़ी शॉप में काम करता था, ज्वेलरी शॉप में, या फिर स्वीट। हेलो अक्षय, गुड इवनिंग। चैट एकदम दौड़ रही है यार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है आज तो, आज तो मजा आ रहा है पढ़ाने में यार, मजा आ रहा है, अमेजिंग। एंड वी हैव 72 लाइव लर्नर्स विद अस, कांग्रेचुलेशंस गाइस, एवरीबॉडी हु हैज जॉइंड द सेशन एंड मेक इट इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। मजा आ रहा है ना आज? आज मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ही वाज वर्किंग इन अ टी स्टॉल, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हर्षदा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं गाइस। हेलो गुड इवनिंग अक्षय, अक्षय अक्षय अक्षय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा बाड़ी। यस ए इज द राइट आंसर। यस बच्चा, यस पार्टी हो रही है आज। यस आज पार्टी हो रही है बेटा। अच्छा बेटा, प्यार ना पढ़ाई से करो, अपनी मुझसे मत करो, प्यार करो पढ़ाई से, ताकि मार्क्स अच्छे आए हाशमी, समझ रहे हो? चलो, वॉट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश? मुकेश के कौन से एफर्ट उसकी हेल्प करने वाले थे मेटेरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार ड्राइवर? वैसे ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, बट ही वॉन्ट्स टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। हाँ बेटा, मैं चाय नहीं पीती, मैं कॉफी पीती हूँ। चलो कॉफी कॉफी बेटा, क्या चीज उसकी हेल्प करने वाली थी? हार्डवर्क, गोइंग टू गैरेज, गाइडेंस ऑफ हिज ओनर, ऑल ऑफ दिस। व्हेनेवर इन डाउट, मैंने क्या बताया था रूल आपको? व्हेनेवर इन डाउट, व्हेनेवर इन डाउट क्या करना है? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। हार्ड वर्क भी जाना था उसे करना था, गाइडेंस भी चाहिए थी बेटा, गैरेज भी चाहिए, जाना था उसको, और ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। मेरे पढ़ाने के तरीके से तुम प्यार हो गया? अरे वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। मुझसे मत करो भाई, मुझसे प्यार मत करो, पढ़ाई से प्यार करो, है ना, अपने से प्यार करो। सेल्फ लव इज द की, है ना, सेल्फ लव, पहले खुद से प्यार करो, मेरे से नहीं, खुद से करो पहले। लव योर सेल्फ, अप्रिशिएट योर सेल्फ, राइट। चलो, वॉट डू द बॉय अपियर, ये हमने अभी चैप्टर पर पढ़ा था, किसी ने चैप्टर पढ़ा था मेरे साथ, अभी मैंने पढ़ाया था उसको। वॉट डू द बॉय अपियर्स लाइक इन द स्टोरी, स्टोरी में बॉयज को क्या बोला गया था? मॉर्निंग क्रोज, इवनिंग क्रोज, मॉर्निंग बर्ड्स, इवनिंग बर्ड्स। अभी पढ़ाया था मैंने, 1 आवर पहले मैंने क्लास ली थी ना, आप लोग को याद है मैंने क्या बताया था बेटा? क्या बताया था मैंने? चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, कौआ नहीं उड़, चिड़िया उड़, समझ रहे हो चिराग? यस, मॉर्निंग बर्ड्स, मॉर्निंग बर्ड्स इज द राइट आंसर, मॉर्निंग बर्ड्स, समझ रहे हो? मॉर्निंग बर्ड्स, अमेजिंग अमेजिंग। दौड़ा दो यार चार्ट को, दौड़ा दो फटाफट। यस सागर, सागर बेटा पढ़ाई से प्यार करो, पढ़ाई से प्यार करो बेटा। कायनात, यस कायनात, हाँ तुमने पूछा था इसका मतलब, तुमने मुझसे मतलब पूछा था, साहिब आलम आए थे मेरी क्लास में, उससे मुझे मतलब पूछा था। मॉर्निंग ब्लड्स, यस मॉर्निंग बर्ड्स, मॉर्निंग बर्ड्स, हाँ तुमने मुझसे पूछा था, याद आया कुछ? तो इसीलिए देखो एनसीईआरटी पढ़ने से कितना फायदा मिलता है,
एनसीईआरटी पढ़ने से देखो फायदा मिलता नहीं मिलता, तो 6 वाला क्लास ना 6 PM वाला क्लास डेली और शिद्दत से अटेंड करो। किस चीज को शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात मिल जाती है तुम्हें मिलाने के लिए, समझ रहे हो कायनात। यस चलो, यस बेटा, मॉर्निंग बर्ड, अमेजिंग अमेजिंग गाइस। अब बताओ मुझे ऑथर की बर्थ प्लेस क्या थी। जय गुरु जी, शुक्राणा गुरु जी, यस गुरु जी। चलो गुरु जी रॉक्स एंड सो एज आर बच्चाबाड़ी रॉक्स। चलो बच्चाबाड़ी, 25th क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए फटाफट। हाँ बेटा, डेली डेली 6 PM और 8 PM डेली मिलेगी क्लास। 10:30 बजे क्लास मिलेगी आप लोगों की, पता है कब? 10:30 बजे क्लास मिलेगी आपकी अन अकेडमी पे, 10:30 पे अन अकेडमी। 6 to 8 मिलेंगे हम लोग यहाँ पर, यही सेम टाइम सेम जगह, समझ रहे हो, सेम टाइम सेम जगह। राउरकेला, राउरकेला में बेटा गई थी बेटा वो, उसके बाद वो यूएसए में चली गई थी बेटा अपनी हायर एजुकेशन के लिए, समझ रहे हो। हाँ बेटा राउरकेला, डी कंफर्म है, लॉक कर दिया मैंने, पक्का जीत गए तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजिंग, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश गाइज, हाउ इज द जोश। जल्दी बता दो मुझे जोश वोश कैसा है तुम लोगों का एकदम से। हाँ बेटा राउरकेला इंडिया में, फिर यूएसए चले गई थी बेटा। अपलोड कर दूंगी विजय, नोट्स अपलोड कर दूंगी बेटा, सेम टाइम सेम जगह। ऋतिका शर्मा, कल मिलते हैं 6 बजे गाइस, ठीक है, जल्दी से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज जोश, नेक्स्ट क्वेश्चन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे रुक जा जरा, नहीं रुक रही, आ जाओ तुम भी आ जाओ जल्दी से। वॉट डज द टाइटल लॉ स्प्रिंग सिंबलाइज, लॉ स्प्रिंग से क्या समझते हो। मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने, लॉ स्प्रिंग का मतलब पूछा था मुझसे किसी ने लास्ट क्लास में, 6 बजे वाली क्लास में। लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ऑटम सीजन, लॉस्ट मनी, लॉस्ट एज, क्या क्या मतलब है इसका। हाय एवरीबॉडी, यस ओपी 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 ओपी, ऑलवेज हाय ऋतिका गैरियर, ऑलवेज हाय, है ना। चलो अमेजिंग गाइस, अमेजिंग, है ना। 30 डेज की स्ट्रेटेजी है बेटा, लेट्स लॉक, लेट्स रॉक, लेट्स क्रैक इंग्लिश इन 30 डेज। यस लॉस ब्लूमिंग चाइल्डहुड, मेरा सुंदर सपना तोड़ गया, मुझे दोस्त अकेला छोड़ गया, समझ रहे हो। लॉस ब्लूमिंग चाइल्डहुड इज द राइट आंसर गाइज, ए इज द राइट आंसर। यस मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, मूविंग ऑन द, यस हाँ बेटा, उनका बचपन है ना, बचपन तो गया, बचपन तो गया, तो बेटा लॉस ब्लूमिंग चाइल्डहुड, बचपन तो गया, समझ रहे हो। हाँ साहिब तुमने पूछा था, तुम सब कुछ पूछ रहे हो बेटा, तुमने सब, तुम्हारी तो लॉटरी लग गया, लॉटरी लग गई, उसने नाम ही रख लिया साहिब आलम। कल कौन सा चैप्टर होगा कलीम, कल चैप्टर होगा आप लोग का, इसका सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी, मुकेश वाला चैप्टर की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी की 6 बजे, और शाम को पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ेंगे किसके, पोम 1 के, माय मदर एड, मेरी मम्मी 67 साल की, माय मदर एड 66 के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, माय मदर एट 67 66 जो भी है 66 उससे पढ़ेंगे, है ना। कल अकेडमी पे, अन अकेडमी पे क्या कराऊंगी बेटा, कल आपका एनिमी का चलेगा, एनसीआरटी एनिमी, एनसीआरटी चल रही है अन अकेडमी पे। सी इज द राइट आंसर बेटा, कहाँ के हेल्ड मतलब होता है रहने वाले, कहाँ रहती है वो, कहाँ का रहने वाला है वो, कहाँ का रहने वाला है बेटा वो। यस लॉस्ट एज क्यों नहीं होगा इसका आंसर, किसी ने पूछा मुझसे, क्योंकि वो चाइल्डहुड की बात कर रहे थे बेटा, बचपन तो गया, जब चाइल्डहुड आ रहा है तो एज नहीं आएगा, ठीक है ना, चाइल्डहुड बचपन की बात हो रही, लॉस्ट स्प्रिंग को बचपन से कंपेयर किया गया। हेलो मोनिका क्यूट जटनी, गुड इवनिंग, चलिए सभी क्यूट है, मेरे सारे सारे क्यूट क्यूट बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मोनिका गुड इवनिंग, वेरी क्यूट यू आर। ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका इज राइट आंसर बेटा, साहेब ढाका के रहने वाले थे, ढाका से उसने नाता इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि ढाका में आ चुके थे फ्लड्स, नहीं स्टॉर्म आ चुका था, स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ था, सारा कुछ तबाही हो गई थी, तबाही, समझ रहे हो, तबाही चल रही थी। यस आज कैरी मिनाटी कोई क्विज नहीं है, आज अनअकैडमी पे इनफैक्ट क्लास ही नहीं है आप लोगों की, आज मैंने यहां रखा एकदम सुपर 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 क्वेश्चन। आई लाइक द क्वेश्चन आंसर सेशन द मोस्ट एंड आई लाइक यू पीपल द मोस्ट, थैंक यू वंडरफुल स्टूडेंट्स। गेस व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डंप्स, साहिब क्या ढूंढता था उसमें, क्या ढूंढता था, व्हाट यूज्ड टू स्क्राउंज, स्क्राउंज इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन एनसीईआरटी फॉर सर्च, सर्च के लिए क्या यूज करा गया बेटा। यस थैंक यू फिजिक्स फाउंडेशन 9th and 10th, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता, बताओ ना मुझे, बताओ तो सही मुझे आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने। हाँ
बड़ा साहेब क्या ढूंढता था, ढूंढो ढूंढते रह जाओगे, सिल्वर कॉइन, रुपी, 10 रुपी नोट, ऑल ऑफ दीज, व्हेनेवर इन डाउट, व्हेनेवर इन डाउट क्या करना है, व्हेनेवर इन डाउट क्या करना है। बड़ा अभिजीत मेरी बात सुनो ध्यान से, व्हेनेवर इन डाउट हमें क्या करना है, वंडरफुल यार वंडरफुल, हेलो वैशु, स्क्राउंजिंग फॉर 10 रुपीज नोट, नहीं सिल्वर कॉइन भी ढूंढता था वो, रुपीज भी ढूंढता था, 10 रुपीज नोट भी ढूंढता था, ऑल, व्हेरेवर इन डाउट, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, है ना। हां जी, हेलो तनिष, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो अंजलि, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ऑसम ऑसम ऑसम, आगे चलो, चल रही हूं मैम, चल रही हूं मैडम, मैम चल रही है आगे, तुम भी चलो, चलो साथ ही मेरे साथ चलो। Why did साहिब leave his house? साहिब ने घर क्यों छोड़ा, है ना, जग सुना सुना लगे क्यों, डिड आ रहा है, तो डिड के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं आती, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है बेटा, इसलिए यहाँ पर लीव होगा, कई लोग सोचते हैं यहाँ पर लेफ्ट होगा, लेफ्ट क्यों होगा बेटा, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, दिस इज योर मंत्रा फॉर इंग्लिश ग्रामर टुडे, डिड के साथ कभी भी, डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन, समझ रहे हो, तो डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती, लेफ्ट नहीं आएगा, लीव ही आएगा। पूरा स्केड्यूल बता रही हूँ टेंथ बोर्ड के बेटा बच्चे, 6 PM पे जो क्लास हो रही है आप लोग की, एनसीईआरटी रिवाइज करा रही हूँ मैं लाइन बाय लाइन, 8 बजे जो क्लास हो रही है उसमें क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं और समरी पढ़ते हैं और ऐसे वंडरफुल सेशंस रखते हैं, और 10:30 पे जो अनअकैडमी पे क्लास होती है बेटा उस पर हम लोग पढ़ते हैं, विस्तार चल रही है उस पर, ठीक है, ये 6 और 8 वाली क्लास हमारी यूट्यूब पे होती है, समझ गए, समझ गए, 12th Board 2001 Sprint। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलो मैम, यस पूजा नेहरा चल रहे हैं आगे। बेटा स्टॉर्म्स की वजह से उसका घर जो था सब कुछ बह गया था, समझ रहे हो, स्टॉर्म की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, What forced साहिब to be a rag picker? ऐसी कौन सी चीज थी बेटा, कौन सी चीज थी बेटा ऐसी जिसकी वजह से साहिब जो था ना वो रैग पिकर बन गया, डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था बेटा, पर रैग पिकर क्यों बन गया, हर मोमेंट में सॉन्ग, यस दैट्स द स्ट्रेटेजी, आपको सॉन्ग बहुत जल्दी याद होते हैं। रवि आप बहुत सारे क्वेश्चन है गाइज, अभी तो पारी शुरू हुई है, अभी तो पारी शुरू हुई है बेटा, अभी तो पारी शुरू हुई है, यस क्या चीज ने फोर्स किया बेटा, डेस्टिनी, हाय मेरी किस्मत, डेस्टिनी, हार्ड वर्क, है ना, पीपल अराउंड हिम, एक्यूट पावर्टी, जब मैं चैप्टर समझा रही थी मैंने बड़ा बड़ा लिखा था ऐसे करके, एक्यूट पावर्टी, एक्यूट पावर्टी, समझ रहे हो, तो बेटा यही आंसर है, यही आंसर है बेटा, समझ रहे हो, शाबाश 12th Board एंड एवरीबडी एल्स हु इज गिविंग द राइट आंसर, वंडरफुल गाइस, चैट दौड़ा दो एकदम से यार, दौड़ा दो बेटा, ये नैन मटक के बेटा कहीं और जाके करो तनिष्क, समझ रहे हो तुम लोग, शगुन हो गया भाई, 101 लाइक आ गए, शगुन हो गया आज तो, आज तो शगुन हो गया, बढ़ा दो यार थोड़ा सा जोश लाओ यार क्लास में, शगुन हो गया यार आज तो बेटा, शगुन हो गया, 101 लाइक, क्या ये बढ़ सकते हैं लाइक्स, क्या ये लाइक्स बढ़ सकते हैं क्या, बढ़ा दो यार लाइक, बढ़ा दो थोड़े से, अक्यूट पॉवर्टी इज द राइट आंसर बेटा, मोटिवेशन का काम करते हैं ना लाइक्स, क्या होते हैं मोटिवेशन, मोटिवेशन आती है मोटिवेशन, फ्यूल, हाँ बेटा लाइक बढ़ा दो, लाइक बढ़ा दो, यस यस यस, पार्टी हो रही है आज, बढ़िया लग रहा है एकदम पार्टी, ओ माय गॉड, लव यू सो मच रितु, हम यहाँ है, हमारी मैम है और हमारी इंग्लिश की पार्टी हो रही है, यस यस पार्टी हो रही है, एंजॉय कर रहे हो पार्टी की, नहीं कर रहे हो, लेट्स रॉक, वर्ल्ड बेस्ट टीचर, थैंक यू रितिका, यू आर वर्ल्ड बेस्ट स्टूडेंट्स गाइस, हेलो कैस्पर, कितने देर की है क्लास बताओगे, हाँ बिल्कुल बताऊंगी, आज एकदम नॉन स्टॉप चल रहे हैं, आज आज ना गाड़ी नहीं रुकने वाली, टोटल कितने क्वेश्चन है, अभी तो पारी शुरू हुई है मंजीत, अभी कहाँ जा रही हो तुम, वेयर इज सीमापुरी, मुद्दे की बात, सीमापुरी कहाँ थी बेटा, सीमापुरी नोएडा में था, साउथ दिल्ली में था, साउथ दिल्ली बहुत ही पॉश इलाका है भैया, वहां पर सीमापुरी टाइप के लोग नहीं होते, नॉर्थ दिल्ली होती है, ईस्ट दिल्ली होते, कहाँ, मैंने अभी आपको आंसर बताया था इसका, मैंने अभी आपको आंसर बताया था बेटा, हेलो मोनी तोमर, लॉट्स ऑफ लव बच्चे, लॉट्स ऑफ लव, नॉर्थ दिल्ली, कई लोग कह रहे हैं नॉर्थ दिल्ली, बेटा ईस्ट दिल्ली में है, ईस्ट दिल्ली में है सीमापुरी, कहां पर है, ईस्ट दिल्ली, ईस्ट और वेस्ट, सीमापुरी इज बेस्ट, समझ रहे हो, ऐसे याद करो, ईस्ट और वेस्ट, सीमापुरी इज बेस्ट, सीमापुरी कहां है बेटा, ईस्ट में, मेरे को भूख नहीं लगी बेटा, मुझे ना, मुझे 100 मार्क्स की भूख लगी है, अब तो शेर के मुंह में खून लग गया है, 100 लाने लाने हैं, समझ रहे हो, हाँ बेटा शेर के मुंह में खून लग गया, अब तो 100 लाने ही लाने हैं,
यार तुम लोगों ने लाइक बढ़ा दिए, मजा आ गया। मैम कैसे स्टडी कर रहे हैं वो बताइए मैम प्लीज। बहुत बढ़िया स्टडी कर रहे हो तुम यार, अमेजिंग अमेजिंग बच्चे हो मेरे तुम लोग, समझो। मैं बहुत अच्छी हूँ। वेशु आप कैसे हो? लेट हो गए यार वेशु, आज तुम्हें टाइम पे आया करो यार, मजा नहीं आता ऐसे। टॉप स्कोरर कौन कौन है, मुद्दे की बात करें बेटा, टॉप स्कोरर कौन कौन? टॉप स्कोर पता कौन है? थैंक यू रितिका, कह रहे ईस्ट वेस्ट कृतिका मैम इज द बेस्ट, थैंक यू। ऑल द स्टूडेंट्स आर माय टॉप स्कोरर, माय वंडरफुल बच्चा पार्टी, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव। पानी पी लूं? आज यार प्यास नहीं लग रही, शेर के मुंह में खून लग चुका है अब, समझ रहे हो। 100 मार्क्स दिलाने हैं मुझे तुम लोगों को, समझ रहे हो। 100 out of 100 लाने बेटा इंग्लिश में। लेट्स रॉक, लेट्स क्रैक इंग्लिश। हाँ बेटा कल से आना 6 बजे, 6 बजे 8 बजे। थैंक यू रितिका फॉर ऑल योर लव। अभी जा कर रहे हो? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे? स्वागत नहीं करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन का? अल्फोंस डॉडट ने लिखा है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, है ना। 2 मिनट है, किसी को कुछ भी कहना तो कह दो, जिसको जो भी कुछ कहना कह दो यार। आज आज 2 मिनट दे रही हूं मैं तुम्हें, 2 मिनट दे रही हूं। हाँ बेटा सीमापुरी है, पेरिफ्री ऑफ दिल्ली है बेटा। जब पेरिफ्री ऑफ दिल्ली आंसर ही क्वेश्चन में नहीं है तो तुम कहां से लाओगे बेटा? बोर्ड से लड़ोगे जाके? नहीं लड़ पाओगे ना बेटा, तो जो ऑप्शन में दिया है ना बेटा वो बताओ। हेलो पवन, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव। कुछ कहना है किसी को? किसी को कुछ? यार ऐसी बात मत करो यार, कुछ कहने का मतलब है डाउट्स कुछ है तो पूछो, है ना। अर्चना क्या बोल रही हो तुम मेरे को? आई फाउंड यू एज एन एंजल, थैंक यू। स्केड्यूल बता दूं? अच्छा स्केड्यूल, मुद्दे की बात, पढ़ाई की बात। बेटा 6 बजे वाली क्लास है ना, 6 o'clock यूट्यूब पे होगी। क्या पढ़ा रही हूँ? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। 8 बजे, 8 बजे क्या क्लास होती है बेटा? इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं बेटा और समरीज पढ़ते हैं, ठीक है ना। और डेली क्लास 1 घंटे की होती है। आज संडे, संडे इज अ फंडे, और फंडे जो है ना, फंडे से सब सब फंडे क्लियर होते हैं, संडे फंडे वाले दिन, समझ रहे। हाँ बेटा तो 6 बजे, 8 बजे और 10:30 बजे क्लास होती है बेटा। कहाँ पर होती है? 10:30 बजे अनअकैडमी पे। ये दोनों क्लासेस होती है यूट्यूब पे, ये दोनों क्लासेस कहाँ होती है? स्टडी विद अस, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ दस। बुक में है मैडम, बुक में है मैडम ये, तो बेटा बुक से पढ़ लो फिर। ग्रामर भी सीबीएसई में कुछ नहीं आ रहा बेटा, आप लोग कौन से बोर्ड से उसमें डिपेंड करता है, समझ रहे हो। हाँ बेटा आपके बोर्ड पे डिपेंड करता है। राइटिंग सेक्शन में मार्क्स दिलाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। 14 मार्च से स्टार्ट कर रही हूँ, 15-14 मार्च से स्टार्ट कर रही हूँ बेटा मैं आपका राइटिंग सेक्शन। लेट्स क्रैक राइटिंग सेक्शन ऑल्सो, मस्त करके पढ़ेंगे। कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रही बेटा, सब्सक्रिप्शन नहीं मिल पा रहा है डाउट्स पूछने पे। दादा भाई ये प्रॉब्लम सबके साथ आ रही है, मैं पूछ के बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। मुझे पता नहीं अभी इसके बारे में, मैं पूछ के बताऊंगी। रेडियो सब लोग, 2 मिनट खत्म हो गए बेटा, बातें खत्म नहीं हो तुम्हारी। हाँ बेटा लेट्स कम एंड फॉल इन लव ऑफ इंग्लिश विद कृतिका मैम। आई हाय मैं चैनल का नाम रख लूंगी अपने वाला, है वेट गुड करियर स्टैंड अप कॉमेडियन। थैंक यू चंद्रमोहन, मैं इस बात पे गौर फरमाऊंगी बिल्कुल, है ना, समझ लो। साक्षी बेबी रिप्लाई कर दो यार, तनिष कब से बोल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैम एक सॉन्ग की लाइन गा लो बेटा, पढ़ ले बेटा अभी मौका है। आर्यन पढ़ ले बेटा मौका है, फरहान पढ़ ले बेटा मौका है अभी, चल आ जा पढ़ ले, आ जा। थैंक यू रितिका, लॉट्स ऑफ लव। चलो आ जाओ बेटा, तेरी चॉपसी हो गई तनिष्क, आ जा बेटा और कर ले बातें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लॉस्ट लेसन? लास्ट लेसन का ऑथर कौन था बेटा? ऑथर ऑथर, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ बेटा। थैंक यू विद योर इंग्लिश, अच्छा थैंक यू सो मच। आज मेरा एग्जाम था, मेरे पूछोगे नहीं मेरे एग्जाम कैसा हुआ? मेरे एग्जाम बहुत अच्छा हुआ आज, मैं बता दे तुम्हें। चलो ओके ओके, आई वॉन्ट टू आस्क माई डाउट। पूछो बेटा पूछो डाउट, यस पूछो डाउट। अभिजीत ने आंसर करते, तुम लोग बातें करते रहो, बातें करते रहो तुम लोग, समझ रहे हो, बातें करो निकल जाओ बेटा। हाँ मनी तोमर, लॉट्स ऑफ लव गाइज टू यू ऑल्सो। न्यू नेम, हेलो एम हैमल फ्रांस, गुड इवनिंग एम हैमल फ्रांस। ये पक्का ये साहिब आलम हो, ही नाम बदल बदल के आ रहा है ना। मे यू प्रॉस्पर, क्या क्या क्या, चेंज द वॉइस मैडम, अच्छा थैंक यू। कैसा एग्जाम मैम? वो बता नहीं सकती मैं कौन सा एग्जाम था, बट एग्जाम था बेटा, समझ रहे हो। क्या करो, नौकरी से लाभ दिलवाओगे क्या?
चलो, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन बेटा? अल्फोंस डॉरेट. बेटा अल्फोंसो मैंगो आता है ना स्लाइस कैड में, क्लियर है तो बेटा वही. चलो ओके, अल्फोंस डॉरेट, यस राइट आंसर. 100 ला सकते हैं बेटा, 100 ला सकते हैं. बना लोगे तो अच्छा होगा पायल, नोट्स बना लोगे तो अच्छा होगा पायल. मेरा कूल एक्सेंट है, प्लीज लेट अस नो हाउ टू चेंज योर एक्सेंट. बेटा कुछ नहीं, इंग्लिश मूवीज देखो एंड गाने सुनो अंग्रेजी के. चलो और बेटा खुद से बात करो. हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन बेटा? अल्फोंस डॉटर बेटा. एंड हैमिल आए क्लास में बेटा, स्वागत नहीं करोगे बेटा, स्वागत नहीं करोगे? यस डी, डी इज द राइट आंसर. कंग्रेचुलेशन एवरीबॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो अल्फोंस डॉटर फ्रॉम विच कंट्री? कौन सी कंट्री के थे बेटा? है ना, भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी हैं. अल्फोंस डॉटर किसके लिए बोले थे बेटा? कौन सा हमारा देश है, हम किसके वासी हैं? इंडिया के, फ्रांस के, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के? थैंक यू, यू आर ऑल्सो ब्यूटिफुल गौरव देवानंद. हो क्या बात है, क्या थोड़े लाइक बढ़ सकते हैं क्या? थोड़ा 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 माहौल बनाओ यार, लाइक बढ़ाओ, थोड़े से मोटिवेशन लाओ थोड़ी क्लास में. कैसी बातें कर रहे हो यार? हाँ बेटा, अल्फोंस डॉटर कौन सी कंट्री के थे बेटा? बेटा फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है, पूरी रामायण खत्म हो गई, कह रहे सीता कौन है. बेटा फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात हो रही है ना बेटा? हाँ, तो फ्रांस के थे वो. यस फ्रांस के थे, वंडरफुल यार, फ्रांस के थे. स्वागत नहीं करोगे हमारा? कर तो दिया तुम्हारा स्वागत यार, कितना स्वागत करें, माला चढ़ा देंगे. ट्रस्ट मी यार, प्लीज ट्रस्ट कर रही हो तुम पे, तुम भी तो मुझ पर ट्रस्ट करो. आई डोंट नो तनवीर, बांग्लादेश का मुझे नहीं आइडिया बेटा. फ्रांस, यस फ्रांस, इतना इजी. तू स्पिटून्स. चलो द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी? कौन सी तुम्हारी आदत के बारे में बात हो रहा है? इतना बड़ा बड़ा लिखा था मैंने, इतना बड़ा बड़ा. मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला. मेल शॉविनिज्म, प्रोक्रास्टिनेशन, करेज और कावर्डाइस. कावर्डाइस मतलब है कावर्ड, तू निकम्मा है, मतलब तू निकम्मा निखट्टू टाइप, कावर्ड, डरपोक, दैट इज कावर्ड. थैंक यू यार, दो बार प्रेस करोगे ना बटन तो डिसलाइक हो जाएगा यार. चंद्रमोहन क्या कर रहे हो यार, एक ही बार दबाओ यार, एक ही बार. प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टालना. कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना. ये बेटा प्रोक्रास्टिनेशन वाले लोग ना कबीर के बिल्कुल उल्टे थे. कबीर सिंह समझते हो ना, कबीर के दोहे पढ़ते ना, तो बिल्कुल उल्टे थे ये, उल्टी खोपड़ी के थे लोग. मतलब वो कह रहा कल करे सो आज करे, कह रहे आज करे सो कल, कल करे सो परसो. मतलब प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन, है ना. आज करे सो कल, कल करे सो परसो. प्रोक्रास्टिनेशन मतलब टालना यार. कल पढ़ लेंगे यार, बहुत टाइम है यार, कल पढ़ लेंगे यार, बहुत टाइम है, कल पढ़ लेंगे, बहुत टाइम है, कल पढ़ लेंगे. तो बेटा टाइम सारा निकल गया, टाइम सारा निकल गया. इजी है बेटा, क्योंकि तुम्हें मैंने पढ़ाया अच्छे से ना बेटा, इजी इसलिए है. हाँ बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा मैं एक बात बताना चाहती हूँ बेटा, शॉविनिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? है ना भाई, हम मैं हमसे कम कोई नहीं है, समझो. प्रोक्रास्टिनेशन तो हो गया, शॉविनिज्म का मतलब होता है बेटा हम ही है बॉस. बॉस बेटा वो जो अपने लोग को बहुत सुपीरियर मानते हैं ना बेटा, वो लोग हैं, है ना. कबीर दास जी मैम, यस मैम. मे यू प्रॉस्पर, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस ऑफ मे यू प्रॉस्पर का वॉइस. मेल शॉविनिज्म मतलब बेटा आंट जेनिफर टाइगर्स पढ़ा तुम लोगों ने? आंट जेनिफर टाइगर उसकी थीम है ये, चुरा लिया गया वहां से. आंट जेनिफर टाइगर्स की थीम है मेल शॉविनिज्म, मेल डोमिनेंट सोसाइटी. तुम्हारी टुमारो तुम्हारा एग्जाम है बेटा. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. ए का मीनिंग बता रही हूँ, वही बता रही हूँ बेटा अर्चना. आंट जेनिफर टाइगर मतलब मेल शॉविनिज्म मतलब मेल डोमिनेंट सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान समाज, समझो. That is male chauvinism. चलो next question. What were the things being taken for granted by the people of Alsace and Lorraine? Alsace और Lorraine के जो लोग थे ना बेटा, क्या granted ले रहे थे, क्या taken for granted कर रहे थे बेटा? Teachers को, time को, school को, people around, money and power. जल्दी बताओ. हाँ बेटा जल्दी जल्दी करा रही हूँ. बेटा मेरी पुरानी वीडियोस देख लो और कल से क्लास में रेगुलर आ जाओ, निष्कांत सब करा दूंगी बेटा. समझ रहे हो? जल्दी बताओ मुझे कौन सी चीजों को टेक फॉर ग्रांटेड लिया था बेटा. हेलो पलक, गुड इवनिंग. बेटा उसने टाइम को और स्कूल को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था. बी इज द राइट ऑप्शन.
टाइम इन स्कूल, टाइम इन स्कूल, बी बी इज द राइट आंसर. ए नहीं बेटा, टीचर्स नहीं, टीचर्स कैसे, ए की तो टीचर था एम हैमिल, तो टीचर्स तो नहीं सकता क्योंकि एस तो प्लूरल है, एस से पता लग रहा है ये चीज गलत है ना. गुड इवनिंग मानसी. एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए भेज दूंगी, आई विल सेंड, डोंट वरी मैं भेज दूंगी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन आर फ्रॉम सीबीएसई बच्चा, है ना, ये सीबीएसई की क्वेश्चन है जो उसके सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो लास्ट ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन है, ठीक है ना. हाँ, किसी का कॉपी नहीं है तो स्टॉप सेइंग दिस. ओके चलिए, वॉट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, क्या चीज सिंबलाइज कर रही है लास्ट लेसन की बेटा, लॉस, लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम. जल्दी बताओ मुझे, पीडीएफ कहां पर सेंड करोगे आप बेटा? मैं टेलीग्राम पे ज्वाइन करूंगी, टेलीग्राम पे सेंड करूंगी, टेलीग्राम पे कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. यस बच्चा, डी इज द राइट आंसर बेटा. लॉस ऑफ लैंग्वेज के साथ साथ फ्रीडम भी चले गया था. राइट लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, डी इज द राइट आंसर. चलो हाँ बेटा, तुम ओपी हो भाई, आदित्य सिंह फैन ऑफ गणेश पवार, कौन हो तुम, गणेश पवार के फैन हो, अच्छा बहुत बढ़िया, शाबाश. रिविजन करा रही तुम्हारे, तो रिविजन रखा था मैंने. वॉट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई, लास्ट लेसन क्या सिग्निफाई करता है बेटा? चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज इन लाइफ, चेंज ऑफ टीचर्स. क्या चीज चेंज हुई थी बेटा? हेलो यश, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. 1-2 का 4, 1-2 का 4, जल्दी बताओ मुझे. लास्ट लेसन में क्या चीज चेंज हुई थी बेटा? पावर चेंज हुई थी, पहले फ्रांस में फ्रांस रूल कर रहा था, फिर उसके बाद आ गया जर्मनी, है ना, चेंज इन पावर. हाँ डिनर कर लो जाके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वॉट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट? डॉन ऑफ द प्रशिया, मैं आपको दो वर्ड बताती हूँ, बता दू डॉन का मतलब क्या होता है, डस्क का मतलब क्या होता है. उगते हुए सूरज से पहले का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं डॉन, और जो उगते हुए सूरज के, डूबते हुए सूरज के बाद का टाइम होता है उसको बोलते हैं डस्क. डस्क मतलब इवनिंग, मतलब लेट इवनिंग, सनसेट के बाद, और सनराइज से पहले को बोलते हैं डॉन. उगता सूरज को सलाम करते हैं ना सब लोग, तो बेटा उगते हुए सूरज का क्या मतलब है बेटा? प्रशिया अब पावर में आ चुका था, है ना, बॉस कौन था, प्रशिया था. गवर्नमेंट नहीं बेटा, पावर चेंज हुई थी ना, वहां पर पावर चली थी, उस समय गवर्नमेंट कहां थी. यस सो जाओ जाके बेटा अंकित, अगर दर्द हो रहा है सर में तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉन ऑफ द प्रशिया एंड द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, डिफीट ऑफ प्रशिया, द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच, नन बेटा विक्ट्री, तू सूरज में सांझ लाइक दैट. हाँ बेटा चंद्र, जो जो समझ में आ रहा है वैसे लगा दो. यश गर्ल्स के लिए हैंडसम यूज नहीं करते बेटा, गर्ल्स के लिए होता है ब्यूटीफुल यूज, मर्दों के लिए होता है हैंडसम यूज, ठीक है समझ रहे हो. हाँ डॉन ऑफ द प्रशियन द डिफीट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, बेटा फ्रेंच लोगों को हरा दिया ना बेटा. यस तो ए इज द राइट आंसर, समझ गए. हाँ बेटा यही आंसर विशाखा, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर बेटा. विक्ट्री ऑफ फ्रेंच क्यों बेटा? विक्ट्री मतलब होता है जीत बेटा, फ्रेंच तो हार गया था. प्रशिया की डिफीट, डिफीट मतलब होता है हार बेटा, मीनिंग समझो, हार होता है इसका, है ना, इसका मतलब होता है जीत. तो बेटा फ्रेंच तो जीता ही नहीं कभी, प्रशिया कभी हारा ही नहीं, प्रशिया जीता था, फ्रेंच हारा था,
राइट right? तो बेटा कौन सा आंसर हो गया? ए। और वैसे भी बेटा जो चीज बड़ा होता है ना, लाइक जो आंसर सबसे ज्यादा बड़ा ऑप्शन होता है ना बेटा, वो ही राइट आंसर होता है। हेलो अयान, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच अयान। हाँ बेटा आदित्य, तुम्हारा तो सही है, तुम तो पढ़ के आयो बेटा। आज आज 10 बजे कोई क्लास नहीं है बेटा, नो क्लास, संडे है, संडे एंजॉय करो अपना, ठीक है? पढ़ ली बेटा आज, आज पढ़ तो रहती देर से यार। From where did the orders come to teach only German in the Alsace and Lorenz district? Alsace and Lorenz, how to use vocabulary कैसे बढ़ाओगे बेटा? थोड़ा से words को memorize करो, है ना? चलो, very good, crystal clear, समझ में आ रहा है ना बेटा? Hello Palak, hello again, hello Kainat, बेटा कहाँ से orders आए थे बेटा? Headquarters कहाँ थे? HQ, headquarters थे बेटा Berlin में, है ना? Headquarters कहाँ थे बेटा? Berlin, C is the right answer बेटा, Germany में नहीं था, है ना? जर्मनी बेटा नया नाम था प्रशिया का, मतलब प्रशिया पहला नाम था, मतलब जर्मनी को पहले प्रशिया बोलते थे, है ना? जर्मनी को पहले प्रशिया बोलते थे बेटा। वेरी गुड आदित्य। व्हाट डज दिस स्टोरी स्पीक अबाउट? स्टोरी के किसके बारे में बताती है स्टोरी? क्या बताती है? पावर, मनी, ट्रांजिशन या फिर लोग? जल्दी बताओ मुझे, कन्वर्ट कर दो उसको। स्टोरी क्या बताती है? मनी, पावर, ट्रांजिशन या फिर ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, बदलाव, चेंज। बताओ स्पीक अबाउट पावर, मनी, ट्रांजिशन या फिर पीपल? इट्स क्या बताता है? चेंज हुआ था ना बेटा, चेंज इन लैंग्वेज हुआ था, चेंज इन एवरीथिंग हुआ था। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज फ्रांस रिलक्टेंट? मतलब मन नहीं कर रहा था, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मन नहीं है, रिलक्टेंट, डजंट वांट टू गो। Why does not he wants to go to school? Why doesn't he want to go to school, बेटा? क्या बताऊं मुझे? बेटा क्योंकि वो enjoy करना चाहता था sunlight को, because वो soldiers को देखना चाहता था, because वो outdoor जाना चाहता था, because उसका test था आज participles पे। क्या था answer? Very good Snehpreet, very good everybody, very good Aditya, Sunita. हाँ बेटा D is the right answer. क्योंकि उसका टेस्ट था पार्टिसिपल पे और उसको पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता था, ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड। रितिका वेरी गुड, प्रिपेयर्ड तो था ही नहीं वो, ठीक है? कह रहा था बस ऐसे ही पढ़ा लूंगा, ऐसे ही पढ़ दूंगा, इसीलिए स्कूल नहीं जा रहा था। ही डजंट वांट टू गो टू स्कूल, राइट? सेशन को लाइक कर दो यार, जिसने भी लाइक नहीं करा है। चले क्या नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास में चले? हाँ बेटा चैट शायद लेट आ रही है। नेक्स्ट, थैंक यू वैभव। बेटा डी आंसर हो गया इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हेलो पारो, हेलो शिवानी, हेलो सनी, गुड इवनिंग, जल्दी जल्दी कर रही है। यस, What did France find on reaching the school? क्या देखा उसने? लोग नाच रहे थे, स्कूल बंद था, पुलिस राउंड लगा रही थी, पेट्रोलिंग कर रही थी, या फिर क्वाइट स्ट्रेंजनेस थी, स्ट्रेंज क्वाइटनेस थी, क्या था? थैंक यू रितिका। कोई बात नहीं विशु, ठंड लग रही होगी उसे, नहीं नहा रहा तो कोई बात नहीं। यस बेटा काफी यहां पर सब शांति शांति है, यहां पे सब शांति। हेलो प्रदीप सिंह, यहां पे सब शांति शांति है, क्वाइट, इट वाज स्ट्रेंज क्वाइटनेस। हेलो जलालुद्दीन, हेलो प्रदीप, जलालुद्दीन मोहम्मद,
जलालुद्दीन शहनशाह है हमारी क्लास में, स्वागत नहीं करोगे बेटा, स्वागत करो, यस शाउट आउट टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास? नहीं, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास? वीक स्टूडेंट्स, टीचर्स, अच्छे नंबर मैं सिखाऊंगी पंकज रावत कैसे लाने बेटा, साथ जुड़े रहो, साथ ही साथ निभाना, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है? चलो, वीक स्टूडेंट्स, टीचर्स, मॉनिटर्स या विलेज एल्डर्स? हंसी आ रही है बहुत, हंसो फिर, हंसो, शर्मा क्यों रहे हो, शर्माओ मत बेटा। एल्डर्स आए थे आज, कौन कौन लोग आए थे मुझे बताओ, कौन कौन लोग आए थे? हाँ बेटा मुझे बताओ कौन कौन लोग आए थे बेटा। हॉजर आया था, ठीक है, फॉर्मर पोस्टमास्टर आया था, फॉर्मर मेयर आया था बेटा, फॉर्मर पोस्टमास्टर आया था बेटा, और बेटा विलेजर्स आए थे, इतने सारे लोग आए थे। हॉजर अपने साथ ना अपनी बुक भी लेके आया था, बुक को बोलते हैं प्राइमर, बुक को क्या बोलते हैं? प्राइमर, समझ गए? विलेज एल्डर्स इज राइट आंसर। हेलो नंदिनी कुमार दास, गुड इवनिंग, नाम ले लिया तुम्हारा मैंने। हेलो, हॉजर का मतलब होता है फार्मर, कुमारी, नंदिनी कुमार, कुमारी, नंदिनी कुमारी, यस, माया, माया नहीं बेटा, मेयर, माया जाल तो है बेटा, समझ रहे हो, माया जाल है, चलो कोई बात नहीं, समझ रहे हो सब लोग, मोह माया है सब, ले तो लिया तुम्हारा नाम, कितनी बार ले, नंदिनी कुमारी दास, शाबाश कायनात, एकदम ओपी यार, ओपी। अब प्राइमर पता है ओल्ड था, फड़ा हुआ था प्राइमर, फड़ा हुआ था, पार्टी करने आए थे वो लोग, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय श्री राम गोपी बाऊ, हेलो साहिल, गुड इवनिंग, कुछ मत पूछो तुम, गुरुजी सेवा पढ़ लो बैठ के, एक बात पूछो तुम, हर किसी से बात ही पूछते रहते हो। Why was France surprised? वो ऐसा सरप्राइज क्यों था? बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, बिकॉज ऑफ एम हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। राज तिवारी गुड इवनिंग बेटा, शाउट आउट मिलेगा सबको आज, आज देखते हैं एंड तक कौन रहता है, सबको शाउट आउट दूंगी मैं, जितने भी लोग बचेंगे ना सबको शाउट आउट मिलेगा एंड तक जो रहेगा, एंड एंड, समझ रहे हो? हाँ बेटा, बेटा एम हैमल ना डांट नहीं रहते, उसने कहा भाई आज सूरज कहां से निकला है भाई साहब, आज सन कहां से निकला है, जो किसी के सन डॉटर्स को डांट ही नहीं रही लोग यार, आज सूरज कहां से निकला, आज सन कहां से निकला है, जो किसी के सन डॉटर्स को लड़ाई, मतलब आज आज सन डॉटर्स को डांट ही नहीं पड़ रही थी, सूरज कहां से निकला है बेटा, है ना? कह रहे ये क्या हो रहा है बॉस, बॉस दाल में कुछ खा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ थी बेटा? एम हैमल ना बड़े प्यार से बोल रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ थी बेटा? एम हैमल बहुत पोलाइट थे। नेक्स्ट, डी ऑप्शन है, सारी डी ऑप्शन ही है मैडम, क्या हुआ, क्या हुआ? Why was France feeling regretful? पछताओगे, बड़ा पछताओगे, तो पछता क्यों रहा था वो आखिर? Sad क्यों था? गुस्सा क्यों था? Sad क्यों था वो? तनिष्का एंड वैभव, ओके ले लिया साथ में नाम, अभी नैन मटक के करना बंद करो बेटा, पढ़ लो, इंग्लिश का पेपर आएगा वहां नैन मटक के करना बैठ के। Why was France feeling regretful and sad? हाँ बेटा, For not learning his language, for reaching late, for not learning participles, for change in government, for not learning his mother language, mother tongue, है ना बेटा? मातृभाषा नहीं आती थी उसको अपनी, मातृभाषा, या फिर participle नहीं पढ़े थे उसने, sad क्यों था वो? उसको जब पता लगा बेटा, it was like a thunder clap. What is thunder clap? Shock लगा, 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 shock लगा. Thunder clap मतलब क्या? 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 जैसे daily soap में होता है, क्या? 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 पैरों तले जमीन निकल गई थी उसके, फ्लैबरगास्टेड, क्या मतलब है फ्लैबरगास्टेड का? फ्लैबरगास्टेड का मतलब होता है पैरों तले जमीन निकल जाना, जमीन, समझ रहे हो? हेलो पवन कुमार, पवन कुमार, हेलो पवन कुमार, हेलो, अब बताओ मुझे डी, यस डी, डी इज द राइट आंसर। सबसे पहले भाई आदित्य की तारीफ करो यार, तारीफ करूं क्या जिसने तुम्हें बनाया है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो, whom did M. Hamel blame for not sending students to school? किसका जोर का झटका हाय जोरों से लगा, समझ रहे हो? हाँ बेटा, M. Hamel ने किस किस को ब्लेम किया कि किसने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा? पेरेंट्स ने,
फ्रेंड्स के बच्चे भी थे क्या? टीचर्स, वॉचमैन ने भी स्कूल में बच्चे नहीं भेजे या फिर पेरेंट्स? राइट आंसर बताओ. थैंक यू नंदिनी, यू आर ऑल्सो ऑसम. हेलो चेल्सी, गुड इवनिंग चेल्सी. चेल्सी गुड इवनिंग. यस अक्षय, वेरी गुड यार. यार तुम एकदम कमाल हो यार. कमाल धमाल आदित्य, कमाल धमाल आदित्य, कमाल धमाल आदित्य, कमाल धमाल आदित्य. यस, ले लिया नाम तुम्हारा, खुश हो गए तुम? चलो गुड. बेटा वॉचमैन ने अक्षय नहीं भेजा था बेटा बच्चों को. वॉचमैन क्यों भेजेगा बच्चे, उसके बच्चे नहीं थे ना बेटा, बताया नहीं गया. टीचर के भी नहीं बताया गया, फ्रेंड्स के भी नहीं हो सकते. पेरेंट्स बच्चे ना बेटा, पेरेंट्स मम्मी पापा, उन्होंने नहीं भेजा. समझ गए? हाँ बेटा. गुड इवनिंग चेल्सी, हेलो. खाना नहीं खाया बेटा शुभम पवार, कैसे खा लू खाना? तुम लोग अभी साथ में हो ना मेरा. अभी शेर के मुंह में खून लग चुका है बेटा, 100 मार्क्स का खून है ये, समझ रहे हो? ये इसको पाना है बेटा. चलो वॉट इट हॉजर ब्रिंग. हॉजर क्या, बर्फी वर्फी लेके आए थे? लड्डू बर्फी, गुलाब जामुन लेके आए थे बेटा? बच्चे लेके आए थे साथ में, है ना? फ्रेंड्स को लेके आए थे या फिर प्राइमर लेके आए थे? अभी बताया मैंने इसका आंसर. गलती मत करना, गलती मत करना तुम यार. अभी बताया मैंने, बच्चा वाड़ी समझो, अभी बताया मैंने इसका आंसर. अक्षय नहीं यार, मिठाई क्यों लेके आएंगे वो यार? डायबिटीज थी उनको, ऐसे मान लो डायबिटीज थी हॉजर को. हॉजर का मतलब होता है फार्मर, है ना? फार्मर बेटा बुक लेके आया था पढ़ने के लिए. तुम यार खाने पीने में लगे रहो, बस भूख लग रही है तुम लोग को, है ना? नहीं, मिठाई नहीं लेके आए थे बेटा. देखो गोलगप्पे वाले भैया चले तो नहीं गए, वो नहीं कर रहा था बेटा, वो प्राइमर लेके आए थे, बुक लेके आए थे. प्राइमर का मतलब होता है बुक, जिसपे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, जिसपे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, ए ए ब ब स स होता है ना, वो उस लिखा होता है उसमें बोलते हैं बसा. यस, ओल्ड प्राइमर. और वो भी फटा हुआ था, वो भी फटा हुआ था, टेला था वो. फ्रांस को ना एम हुम हैमिल की ना वो रूलर और क्रैंकीनेस भूल कैसे गया, डंडा कैसे भूल गया हैमिल का? इधर आ तू, देखो मारूंगा मैं बेटा. क्यों भूल गया था वो? पलक चौधरी बेटा अभी आंसर बता दो मुझे, फ्रांस क्यों भूल गया था बेटा? ब्रेकअप बाद में करना. ये बात तुमने सही कही चेल्सी, आई शुड अंडरस्टैंड दिस. बेटा जब उसको पता लगा ना कि अब तुम जाओगे, लौट के कब आओगे, वापस आओगे नहीं आओगे, यही आंसर था. डी इज राइट आंसर. घर कब आओगे, है ना? कब आओगे तो नहीं आएंगे बेटा. नहीं, पुलिस वहां नहीं थी, पुलिस वहां नहीं थी, स्ट्रेंजनेस थी बेटा, उससे कोई लेना देना नहीं है फ्रांस के बारे में. बसल नहीं था, आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे. यस आज बेटा ये लड़ाई बाद में सुलझा देना बेटा, एडवोकेट गिरी मत दिखाओ अपनी यहाँ पर अपनी. अब बताओ मुझे बेटा. चेल्सी ने कुछ बोला यार. हाँ नंदनी तुम बिल्कुल सही हो यार, नंदनी इज ऑलवेज राइट. क्या बोल रही नंदनी? हाँ बेटा डी इज द आंसर. शाबाश बेटा नंदनी. यस नंदनी. अविनाश चंद्रा गुड इवनिंग, ले लिया तुम्हारा नाम, खुश हो जाओ बेटा. इतनी छोटी सी खुशी मिलती है बेटा, 100 नंबर लाओ ना. शेर की तरह अपने मुंह में खून लगाओ 100 नंबर का. समझो क्रैंकीनेस मतलब होता है पूजन, है ना, चिड़चिड़ापन. हे हट जा इधर आ, जो डांटते हैं टीचर्स, है ना, उन लोगों को बोलते हैं क्रैंकी टीचर्स, है क्रैंकी. चलो कितने सालों से काम कर रहे थे हैमिल जी? कैमिल नहीं बेटा, हैमिल, हैमिल बोलो बेटा, एम हैमिल. तुम्हारे मैसेज क्यों डिलीट करूंगी मैं भाई, इतना टाइम नहीं मेरे पास, दोनों हाथ मेरे यहां है. आदित्य तुम्हारे मैसेज क्यों डिलीट करूंगी भाई, रिश्तेदार थोड़ी तुम मेरे. यस पार्टी हो रही है. फॉर मेनी इयर्स डिड एम हैमिल सर्व द स्कूल बेटा, 40 साल. यस कितने साल? आज 40 साल होगा बेटा मैं यहीं पर हूं, समझ रहे हो? ये बोला उसने. यस रितिका आई विश यू ऑल द बेस्ट. चालीस साल. मैं क्रैंकी नहीं हूं, मैं नहीं हूं क्रैंकी, मैं तो बहुत अच्छे से खुश रहती हूँ. चलो वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन, बच्चों को कहाँ भेजते थे वो? स्कूल भेजते थे क्या बेटा? भेजा होता तो आज ये हाल नहीं होता. कोचिंग भेजते थे, कोचिंग थी वहां पर, कौन चला रहे थे बेटा? हाँ बेटा फार्म थे, मिल थी, या फिर मूवी देखने भेजते थे? हाँ बेटा पक्का, तुम्हारे तो फिक्स है बेटा. पारो
पारू आंसर दो, पारू आंसर दो बेटा। कहाँ मूवी कौन दी यार, मूवी कौन देखने, कौन सा थिएटर था बेटा वहां पर बताना जरा मुझे। हेलो हेलो हेलो, कौन हो तुम? दिव्या, हेलो दिव्या। यस, फार्म्स एंड मिल्स। कहां पर मिल? फार्म एंड मिल, समझ गए? ऐसे बोलो, कहां पर मिलना था? फार्म्स एंड मिल में मिलना था। दौड़ा दो चैट, दौड़ा दो फटाफट, दौड़ा दो यार, दौड़ा दो। क्या लाइक मिल सकते हैं थोड़ी सी? मुझे लाइक कर दो सेशंस को यार, जिसने लाइक नहीं करा है। मजा आ रहा नहीं आ रहा क्लास को? मजा आ रहा नहीं आ रहा? एंजॉइंग द क्लास? हाउ इज द जोश? अब बताओ मुझे क्वेश्चन का आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। व्हाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू फार्म्स एंड मिल्स? खेलने के लिए बेटा, मेल में मतलब मिल्स में जाके खेलोगे बेटा? गिल्ली डंडा खेलोगे? क्या खेलोगे? फ्रेंड से मिलने के लिए, रिलेटिव से मिलने के लिए, पैसा कमाने के लिए? क्या करने के लिए बोला था? क्या करने के लिए बोला था? मैं बहुत फनी हूं बेटा, फनी से ही तो पढ़ोगे ना फिर? आई पढ़ाऊंगी, पढ़ लो। तो क्या पढ़ लोगे? नहीं पढ़ोगे, पता है मुझे। पवन तुमने दे दिया आंसर। हेलो हेलो भावना, वेरी गुड बेटा। पैसा कमाने के लिए, अपना सपना, मनी मनी है ना, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया, अपना सपना मनी मनी है ना बेटा, रोकड़ा रोकड़ा, अपना सपना मनी मनी। चलो अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करूं क्या आप लोगों से? आप 2 मिनट अगर मुझे दो तो रिक्वेस्ट करूं। बेटा ये ना मैं एक बताऊं आपको बेटा, ये हेट्रेड मत स्प्रेड करो। मतलब यार हर टीचर बड़ा मेहनत से पढ़ाता है आप लोगों को, समझ रहे हो? ये हेट्रेड मत स्प्रेड करो यहाँ पर, डोंट स्प्रेड दिस हेट्रेड, डोंट स्प्रेड दिस हेट्रेड बच्चा। इसमें कोई फायदा नहीं है सब करने से, ठीक है? समझ रहे हो? डोंट स्प्रेड हेट्रेड, आई एम सेइंग डोंट स्प्रेड हेट्रेड, ठीक है? प्रॉमिस करो यार, ये सब चीजें मत करो यार। आप लोग अपना पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपना मिशन 100 याद रखो यार, ये याद रखो, समझ रहे हो? डोंट स्प्रेड हेट्रेड। एवरी टीचर इज द बेस्ट टीचर बच्चा, एवरी टीचर आपको मेहनत करके पढ़ा रहा है, चाहे वो एपी सर हो, चाहे वो कोई भी सर हो, चाहे वो कोई भी मैम हो बेटा, सब लोग मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, समझ रहे हो मेरी बात? हेट्रेड मत स्प्रेड करो, ग्रेटिट्यूड शो करो बेटा। आप लोग थैंकफुल रहो बेटा कि आप लोग को पढ़ने का मौका मिल रहा है। कितने बच्चे ऐसे जिनको पढ़ने का प्रिविलेज भी नहीं मिलता है कि नहीं, समझ रहे हो? एवरीबडी इज देयर बेटा, सबको प्रिविलेज नहीं मिलता पढ़ाई करने का, आप लोग को मिला है, तो इस मौके का फायदा उठाओ, समझ रहे हो बेटा? बेटा चाहे वो पीवी सर हो, पीवीडब्ल्यू सर हो, पीडब्ल्यू सर हो, कुछ भी हो, कोई भी टीचर हो बेटा, सब मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। डोंट स्प्रेड हेट्रेड, किसी के लिए बोलो मत ऐसा, किसी के लिए कुछ भी मत बोलो, ठीक है? अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना मिशन बनाओ, अपना एम पूरा करो बेटा, समझ रहे हो नंदनी? एवरीबडी गॉट इट बेटा? हाँ बेटा, यस यस बेटा। हमें किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना बेटा, हमें अपनी पढ़ाई करनी है, अपने 100 मिशन पे ध्यान देना बेटा, समझ रहे हो बेटा? चलो वेरी गुड, वंडरफुल। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? कितने लोग बोल रहे हैं कि सही बात है ना बेटा? एवरीबडी इज डूइंग बेस्ट, एवरी टीचर इज हेल्पिंग यू आउट बेटा। आप लोग को पढ़ा रहे हैं वो, घर बैठे बैठे आप पढ़ रहे हो, कितने लोगों को प्रिविलेज भी नहीं मिलती है ये। हाँ बेटा यही बात थी, मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है कॉम्पोजिशन की। चलो ऑल द बेस्ट, ठीक है? सब लोग अच्छे से पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो सब लोग। चलो आ जाओ बेटा। व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एंड हैमल टू शो ग्रेटिट्यूड? डी इज द राइट ऑप्शन, टू शो ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाई डिड एम हैमल ऑल फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज, है ना? मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज बिकॉज इट्स द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, बिकॉज इट्स नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज मतलब जहां के रहने वाला है वहीं की मातृभाषा।
हाँ एग्जैक्टली चेल्सी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. मैं सुबह से देख रही हूँ, पता है ये डिसलाइक डिसलाइक हेटरेड हेट कमेंट्स, ये सब क्या कर रहे हो बेटा आप, ये सब क्या कर रहे हो, ये सब मत करो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, एवरीबडी इज डूइंग देयर जॉब राइट. तो आप लोग का जॉब क्या है, अभी पढ़ना के लिए, अभी पढ़ने के लिए जॉब है आपका, समझ रहे हो. इंग्लिश में क्वेश्चन तब लानोगे बेटा अंजलि जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझ रहे हो. हेलो मृदुल उपाध्याय, हाँ बेटा रिस्पेक्ट एवरीबडी. वेरी गुड बेटा, इट्स द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज, उसने बोला था कि इसलिए फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ब्यूटीफुल है ना. यस ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट स्कूल दैट डे. फ्रांस का किस चैप्टर का टेस्ट था बेटा, फ्रांस का किस चैप्टर का टेस्ट था. हाँ बेटा डेली दिव्या इसी इसी पे होती है बेटा. थैंक यू स्नेहप्रीत. फ्रांस का किस चैप्टर का टेस्ट था बेटा, सॉन्ग का था, डांस का था, एसे राइटिंग का था, या फिर पार्टिसिपल्स का था. पार्टिसिपल्स का था बेटा. यस उसका टेस्ट क्या था, पार्टी पार्टी, आजकल बहुत पार्टी पार्टी कर रहे हो तुम लोग, तो बेटा पार्टिसिपल्स का ही टेस्ट था, समझ गए. डी सेक्शन पार्टिसिपल्स का टेस्ट था बेटा, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड व्हाट की डू दे हैव टू प्रिजन अकॉर्डिंग टू एम हैमल. कौन सी की थी, कौन सी चाबी की बात हो रही है बेटा, कौन सी. हाँ बेटा पार्टी हो रही है ना, तो बेटा वैसी कर लो. अब बताओ मुझे कौन सी चाबी की बात हो रही है, बिहेवियर की, पावर की, एग्रेसिवनेस की, या मदर टंग की, कौन सी चाबी की बात हो रही है बेटा. हाँ बेटा मैं डेली इस टाइम पे आती हूँ, 6 PM पे भी आती हूँ मैं, और 8 बजे भी आती हूँ, दोनों टाइम पे मैं यूट्यूब पे आती हूँ बेटा, इसी चैनल पे, सेम टाइम सेम जगह, ठीक है. बताओ बेटा कौन सी चाबी की बात हो रही है, बिहेवियर की, पावर की, एग्रेसिव ने मतलब गुस्सा ऐसे गुस्सा, मदर टंग है ना आपकी मातृभाषा. हाँ बेटा नंदिनी इसी टाइम पे आती हूँ बेटा. यस बेटा मदर टंग इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हाँ बेटा डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर. माई नेम इज डॉक्टर कृतिका सबरवाल गाइस, पूजा मेरा नाम कृतिका सबरवाल है. चलिए वॉट डेट फ्रांस नोटिस वॉज अनयूजल डैट डे. उस दिन बेटा क्या, उस दिन क्या चीज अनयूजल थी बेटा. क्वाइट स्ट्रेंजनेस इन द स्कूल, सोल्जर्स इन द स्कूल, क्राउड मतलब होते भीड़, क्या भीड़ थी स्कूल में, भीड़ में खामोशी है, क्या स्ट्रेंजनेस थी, या फिर ऑल ऑफ दीज. मैथ्स का आई डोंट नो कौन पढ़ाता, आई थिंक समीर सर पढ़ाते हैं मैथ्स आई थिंक. नेट खत्म हो गया, वेरी गुड बेटा. भीड़ में खामोशी है, क्वाइट स्ट्रेंजनेस है ना बेटा, भीड़ में खामोशी थी बेटा, स्ट्रेंजनेस थी, क्वाइट एक अनयूजुअल सी थी, ऐसा लगा कि संडे मॉर्निंग को स्कूल आ गया है. और आज ना एम हैमिल भी सज धज के आए थे बेटा, सज धज के आए थे बेटा. हाँ बेटा ए आंसर है इसका आंसर बेटा, ए आंसर इज राइट आंसर है ना बेटा, क्वाइट स्ट्रेंजनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, What had been put up on the bulletin board that day? उस दिन bulletin board पे क्या लगाया गया था बेटा? Teach only French. French तो वो अभी भी पढ़ रहे थे बेटा. English पढ़ाओ, German पढ़ाओ, teach all these. English, French, German क्या पढ़ाया गया था बेटा? क्या पढ़ाया जाना था बेटा? क्या notice आया था बर्लिन से? सेशन को लाइक कर दो यार, जिससे भी लाइक नहीं करा सेशन को लाइक कर दो गाइस, इट्स एक्ट्स एज अ मोटिवेशन एंड इट्स द सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट कि यार मतलब आप एफर्ट्स को देख रहे हो बच्चे के है ना, टीचर्स के एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट करो, दैट्स अ वेरी कूल थिंग.
आई एम थैंकफुल फॉर ईच वन ऑफ यू टू ज्वाइन मी गाइज. रोज इसी टाइम पे मिलेंगे गाइज रोज. हाँ बेटा, जर्मन बोलने के लिए बोला था ना, जर्मन पढ़ाओ, क्योंकि प्रशिया ने क्या करा था ना, प्रशिया ने फ्रांस को डिफीट कर दिया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफीट? हरा दिया था, हरा दिया था उसको. तो अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया बेटा उन्होंने. कौन सी लैंग्वेज थी बेटा? प्रशिया आगे जाके क्या बन गया? जर्मनी बन गया. समझ रहे हो? मतलब जर्मनी का पुराना नाम है प्रशिया. प्रशिया जो था बेटा आगे जाके क्या बन गया बेटा? जर्मनी बन गया, है ना. और जर्मनी की लैंग्वेज क्या थी? जर्मन लैंग्वेज. तो उन्होंने बोला कि जर्मन लैंग्वेज को उसने ना दूसरों पे थोप दिया. थोपने को बोलते हैं इम्पोज करना. थोपने को क्या बोलते हैं? इम्पोज करना. बेटा ग्रामेटिकल एरर, आज ग्रामेटिकल एरर के बारे में बताऊंगी मैं आपको. थैंक यू खुशी, थैंक यू नंदिनी. बेटा ग्रामेटिकल एरर हटाने का एक सबसे सिंपल तरीका है कि ग्रामर को थोड़ा सही कर लो अपनी, तो ग्रामेटिकल एरर होगा नहीं. बेसिक ग्रामर मैं आपको बता दूंगी बेटा क्या है बेसिक ग्रामर. सेम टाइम सेम प्लेस, कृतिका मैम भी सेम है, आप लोग भी सेम हो. नमस्ते बेटा, नमस्ते प्रसाद सत्संगी. हेलो सतांगी, प्रसाद सतांगी, गुड इवनिंग बेटा. कॉम्पोजिशन का बेटा कर मैं देखती हूँ क्या करना है. गुड इवनिंग राजकुमार, वेरी गुड. आदित्य तुम तो बहुत होशियार हो. What changes did the order from Berlin cause in the school that day? हसल बसल क्या होता बेटा? शोर शराबा, जैसे बोलते हैं ना शोर हो रहा है काफी, किसी के चलने फिरने से जो शोर होता है उसको बोलते हैं हसल एंड बसल. हसल एंड बसल. हेलो हेलो हेलो. एनिमी करवा दू? एनिमी करवा दूंगी बेटा. एनिमी चल रहा है, इनफैक्ट आप लोग को अन अकेडमी भी चल रहा है, मैं यहाँ भी पढ़ा दूंगी आपको एनिमी, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. पीपल आर हैप्पी, पीपल काफी खुश थे, लोग काफी खुश थे. टीचर्स वर वेरी सैड, देयर वाज क्वाइट स्ट्रेंजनेस एंड सैडनेस. जल्दी बताओ मुझे. मैं बहुत अच्छी हूँ प्रसाद, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच. हाउ आर यू डूइंग? सेशन को लाइक कर दो यार. सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक नहीं करा बेटा. स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, शोर में खामोशी थी. एग्जैक्टली समझ लो ना. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट चेंज फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल? एम हैमिल और स्कूल के बारे में उनकी फीलिंग कैसे चेंज हुई फ्रांस की? ऐसा क्या हुआ था? पुलिस पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाना, चक्कर लगाना. ऑर्डर आ चुके थे बर्लिन से, स्ट्रिक्ट वर्ड्स थे प्राइमर की वजह से. क्या चीज ने चेंज करा बेटा? बेटा ऑर्डर्स आ चुके थे बर्लिन से. क्या आ चुके थे बेटा? डी नहीं होगा बेटा, डी नहीं होगा. कायनात बी आंसर होगा. वेरी गुड कायनात, वेरी गुड एवरीबॉडी. जिसने बी आंसर दिया, सबने आंसर बी दिया है बेटा. शाबाश आयुष, शाबाश एवरीबॉडी. बेटा ऑर्डर आ चुके थे बर्लिन से कि अब क्या होगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. कहाँ पढ़ाई जाएगी? एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल्स में. एल्सेस एंड लॉरेंस डिस्ट्रिक्ट थे ना बेटा, कहाँ के डिस्ट्रिक्ट थे ये? फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट थे. अब यहाँ पर क्या पढ़ाई जाएगी? फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस बिकॉज ऑर्डर्स हैव कम फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज इज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस. ठीक है, समझ गए सब लोग? यस. हेलो गुलनास. What made France and the people realize about their preciousness of the mother tongue? How to gain more? Long answer बेटा, long answer बेटा. Point wise लिखो और पूरा chapter अच्छे से पढ़ा होता तो आपको elaborate करने में help मिलती है बेटा. What made, हाँ बेटा क्या था बेटा? एम हैमिल के वर्ड, स्कूल के ऑर्डर्स, सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन. बेटा वो प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे थे ना बेटा. क्या कर रहे थे वो लोग? प्रोक्रास्टिनेशन. कल पढ़े सो, परसों पढ़, परसों पढ़े सो, तरसो. प्रोक्रास्टिनेशन टाल रहे थे. तो बेटा उस वजह से अब क्या हुआ? एक थंडर क्लैप आया, एक थंडर क्लैप आया. वॉट इज थंडर क्लैप? शॉक लगा लगा लगा, शॉक लगा लगा लगा. सडन ऑर्डर्स आ गए थे कहां से? बर्लिन से. बर्लिन से सडन ऑर्डर्स आ गए थे कि कल से क्या होगा भाई? कल से फ्रेंच लैंग्वेज बॉस नहीं पढ़ेंगे अपन लोग, अपन लोग पढ़ेंगे जर्मन लैंग्वेज. और कल से क्या होगा? आपका जर्मन वाले टीचर आ जाएंगे. कल से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी. कहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी? एल्सेस एंड लॉरेंस के स्कूल्स में. समझ गए? समझ गए बच्चा बाड़ी? समझ गए सब लोग?
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक्सप्रेस, अरे थंडर क्लैप आ गया, अभी बताया था मैंने, अभी बताया था थंडर क्लैप, ओ आ गया क्वेश्चन। यार आज तो यार सच हो रहा है सब कुछ, कुछ अच्छा बोल दूं क्या, सब लोग के 90 अबव मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा बोल दिया मैंने। गुलनाज मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? हाँ चेल्सी बताओ जल्दी से मुझे, थंडर क्लैप का मतलब क्या था? लाउड बट नॉट क्लियर, लाउड एंड क्लियर, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, अनप्लीजेंट। हाँ जी प्रसाद बोलो जल्दी से, पहले आंसर कर दिया, नहीं पता इसका आंसर। थंडर क्लैप का मतलब होता है शॉक लगा लगा लगा, शॉक लगा लगा, है ना, समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड। शॉक कब लगता है? जब पता नहीं होता ना, सपोज ये आपका स्विच है, सॉकेट है, शॉक लगा लगा लगा, शॉक लगा, राइट, तो जब करेंट लगता है एकदम से, ओ व्हाट, क्या, जब आप सीरियल देखते हो ना उसमें से होता है, क्या क्या क्या, तो फ्रांस का क्या, आज मेरा फ्रेंच लेसन आखिरी है, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता फ्रेंच लैंग्वेज, मैं कैसे पढ़ूंगा, हाउ विल आई लर्न फ्रेंच लैंग्वेज नाउ, एमएमएल तो जा रहे हैं, मत जाओ एमएमएल, डोंट गो एनीवेयर, है ना, अनएक्सपेक्टेड एंड स्टार्टलिंग, समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड, राइट, शॉक लगा लगा लगा, शॉक लगा, ऐसे करके थंडर क्लैप याद कर लो बेटा, शॉक लगा लगा लगा, शॉक लगा, शॉक लगा, हेलो शॉक लगा सबको, नहीं लगा, वेरी गुड। व्हाट डिड एम हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन द लास्ट डे इन द स्कूल? यस बेटा, हाँ रस, हाँ साहिल, हाँ बेटा, थैंक यू आयुष, थैंक यू बच्चा, यस बेटा, थंडर स्लैप, हाँ खुशी जैसे याद हो रहे वैसे कर लो, आग लगा दी शीतल, वेरी गुड, यस वी विल, वी विल, वी विल, वी विल, यस वी विल, एंड यू ऑल विल, यू ऑल आर कैपेबल ऑफ डूइंग वंडरफुल थिंग्स गाइस, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स इट, है ना। व्हाट डिड एम हैमल ब्रिंग फॉर द क्लास ऑन द लास्ट डे? न्यू पेन्स, न्यू नोटबुक्स। मैं एक हिंट दू, एक हिंट दू, ऐसी एक रॉड लगी हुई थी बेटा ऊपर, और वहां पर ना ऐसे टंगी हुई थी कुछ, ऐसे करके टंगी हुई थी बुक्स, उस पर लिखा हुआ था एल्सेस एंड फ्रांस, बुक्स पे लिखा हुआ था बेटा, वो ऐसा लग रहा था कि फ्रेंच के ना फ्लैग्स हैं, ऐसा लग रहा था कि फ्रांस के फ्लैग्स लटके हुए हैं। क्या थी वो? नोटबुक्स थी, है ना, वो न्यू नोटबुक्स लेके आए थे बेटा, उनके बहुत सारे हुए ना बेटा, उनके बहुत सारे लेसन हुए थे बेटा। पहले उनका क्या हुआ था? पहले उनका फ्रेंच क्लास हुई, फिर उनकी ग्रामर की क्लास हुई, फिर उनकी हिस्ट्री की क्लास हुई, फिर उनकी फोनेटिक्स की क्लास भी हुई थी, ये सारी की सारी क्लासेस हुई बेटा उनकी। हाँ बेटा, सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज द राइट आंसर बेटा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा ऐसा लग रहा था फ्लैग्स लग रहे हैं, यस। लास्ट लेसन कौन से ईयर में लिखा गया था बेटा, कौन से ईयर में लिखा गया था? यस बेटा, न्यू नोटबुक लिखा है, यस। मजा आ गया, वेरी गुड। आ सकते हैं बेटा, आ सकते हैं बेटा, इसका आंसर ये है बेटा, 1870 और 1871 में लिखा गया, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको लर्न कर लो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स। और बेटा पहले मुझे बताओ किसने कहा था ये, जल्दी बताओ मुझे किसने कहा था ये, उसका नाम ना डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू से शुरू हो रहा है उसका नाम, जल्दी बताओ मुझे। पलक गुड इवनिंग, हेलो पलक, वेरी गुड श्रेया द्विवेदी, वेरी गुड बेटा, वॉचर ने कहा था, वॉचर ने कहा था बेटा, उसका नाम था ब्लैक स्मिथ।
लोहार, ब्लैकस्मिथ का मतलब होता है लोहार। गुड इवनिंग ललित। मैसेज खुद डिलीट हो रहे हैं, अरे ऐसे कैसे हो गया। एनीवेज समझ गया ना क्वेश्चन, किसने कहा था बेटा। गुड इवनिंग ललित, गुड इवनिंग। बहुत लेट हो गए तुम, बहुत अर्ली जा रहे हो। नॉट अर्ली, अर्ली इनफ। अर्ली इनफ इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर बच्चा। यस थैंक यू अभय, यू आर ऑल्सो अमेजिंग। अच्छा बताओ मुझे, बुलेटिन बोर्ड के पास क्या था? बच्चे थे, पुलिस थी, हॉकर्स थे, या फिर क्राउड था? बेटा बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज्यादा क्राउड था, लॉट ऑफ क्राउड पीपल थे बहुत ज्यादा, राइट? देखो एक चीज बताऊं मैं आप लोग को, देखो इसकी एक चीज बताती हूँ मैं। पीपल जो है ना बेटा प्लूरल है, पीपल इज प्लूरल, ठीक है, और पर्सन जो है वो सिंगुलर है। पर्सन सिंगुलर है, पीपल प्लूरल है, ठीक है। ऑफ कोर्स क्राउड यार, क्राउड ही है सर। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें याद रखना। जैसे चाइल्ड जो है वो सिंगुलर है, बट चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है। चिल्ड्रन इज प्लूरल, ठीक है चलो। चलिए बताइए मुझे, कौन सी बुरी खबर आई थी बेटा बुलेटिन बोर्ड पे जो लगी हुई थी, है ना? व्हाट बैड न्यूज यूज टू कम फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड्स, मतलब उसने बोला था ना, उसमें क्या बोला था बेटा कि जितनी भी बुरी खबरें आई हैं वो बुलेटिन बोर्ड्स पे लगती हैं। कौन कौन सी बुरी खबर की बात हो रही थी बेटा? लॉस बैटल्स, ड्राफ्ट, ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, या फिर ऑल। व्हेनेवर इन डाउट, जब भी कोई डाउट लगता है, हेलो रोजी गुड इवनिंग, जब भी कोई डाउट लगता है कहां लगाओगे आंसर? यस वेरी गुड अभिषेक, बताओ बेटा अभी। डी ऑल ऑफ द अबव बेटा, क्योंकि लॉस बैटल की न्यूज भी वहीं लगती थी, ड्राफ्ट जो होते थे वो भी वहीं लगते थे, ऑर्डर्स भी वहीं लगते थे बेटा, है ना? बेटा ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ओनली आई कैन से दैट हेनरी, हेनरी मैं ये कहना चाहती हूँ बेटा कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ही वॉज इन फिजिक्स एंथुजियास्ट, ही लव्स फिजिक्स, ही लव्ड फिजिक्स बेसिकली, राइट? ही लव्ड फिजिक्स, राइट? एंड ही वॉज इन फिजिक्स, लाइक ही वॉज अ फिजिसिस्ट एंथुजियास्ट, और वो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग रखते थे बेटा कॉन्सेप्ट के ऊपर, है ना? अगर तुम SSR की बात करो तो ही वॉज वेरी, है ना? चलो, विच लैंग्वेज वुड बी द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? अब अगले दिन से बेटा क्या पढ़ाया जाना था उसको? इंग्लिश, जर्मन, डच या स्पैनिश? क्या लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी बेटा? अभी तक वो क्या पढ़ रहे थे, है ना? आई लव मैथमेटिक्स, वेरी गुड बेटा। ही वॉज आस्किंग अबाउट SSR, सो आई जस्ट सेड कि ही वॉज अ फिजिक्स एंथुजियास्ट, है ना? उसको फिजिक्स बहुत पसंद थी। चलो, इंग्लिश पढ़ाई जानी थी, जर्मन, डच या स्पैनिश? बेटा फ्रेंच मत बोलना, बिकॉज उसको जर्मन लैंग्वेज पढ़ानी थी बेटा नेक्स्ट डे से, है ना? और एम हैमिल को कोई बात नहीं, कोई सत्यम ध्यान से दो आंसर, जर्मन, 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 यस जर्मन इज लैंग, यस। अब बताओ मुझे, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन द ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, ये फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन अगर किसी को याद हो बेटा, इन द ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग का मतलब था बेटा टू बी हैप्पी अबाउट इट, टू बी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, डर लग रहा था उसको, टू बी इनडिफरेंट, कुछ अलग ही दुनिया में था, या फिर नन ऑफ दीज? स्कोल्डिंग वाला, वेरी गुड। नो बेटा डी, डी नहीं होगा, डी के नॉट बी द आंसर अभिजीत। बेटा वो काफी डरा हुआ था बेटा, स्केयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, स्केयर्ड मतलब होता है डरा हुआ, है ना? और स्कोल्डिंग मतलब होता है डांटना, है ना? तो वो डांटने से काफी डरा हुआ था, किसके डांटने से बेटा? एम हैमिल, जो उसके लैंग्वेज टीचर थे ना बेटा, उन्होंने आज पार्टिसिपल के ऊपर टेस्ट रखा था,
किसके ऊपर टेस्ट रखा था? पार्टिसिपल्स पे। और फ्रांस को कुछ भी पढ़ा नहीं था उसने, इसीलिए ही वॉज बैडली स्केयर्ड, उसको काफी डर लगता था स्कूल जाने में। समझ गए अभिजीत? समझ में आया बेटा? हेलो प्रियांजना, गुड इवनिंग। यस दैट्स द राइट आंसर, दैट्स द राइट आंसर। हेलो अर्सलान, यस बेटा राइट आंसर इज बी, ही वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ, है ना? आप समझ में आ गया? चलो ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फटाफट यार सेशन को लाइक कर दो, जिसने नहीं करा लाइक फटाफट लाइक कर दो बेटा। लास्ट लास्ट क्वेश्चंस पे जा रहे हैं। व्हाई वाज फ्रांस शॉक्ड टू सी एम हैमिल, वो काफी शॉक क्यों हो गया था? क्योंकि वो फॉर्मल ड्रेस में आए थे, क्योंकि उसने उसको मिठाई दी, उसने फ्लावर्स दिए। हेलो डियर कॉमरेड, या फिर ऑल ऑफ द वीस। हां जी वेरी गुड यार, सब लोगों ने सही आंसर दिया है, फॉर्मल ड्रेस। बेटा उन्होंने एक कोट पहना हुआ था बेटा, फ्रिल शर्ट पहनी हुई थी, ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था, फ्रिल शर्ट पहनी हुई थी बेटा, और साथ में उन्होंने एम्ब्रॉयडरी और एम्ब्रॉयडरी करी हुई कैप पहनी हुई थी, ब्लैक कलर की, ब्लैक सिल्क कैप पहनी थी बेटा उन्होंने, है ना? यस दैट्स व्हाई इज द राइट आंसर। अब बताओ मुझे, व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हैमिल सरप्राइज फ्रांस। एम हैमिल का कौन सा एटीट्यूड ना उसके लिए? बेटा सारे चैप्टर्स मेन है, क्योंकि इस बार से थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है आदित्य प्रियांशु, तो बेटा सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, मैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा दूं आपको 30 डेज में, मैं पूरा कोर्स कराने वाली हूँ। आज क्विज सेशन था बेटा, जो हमने पढ़े हैं चैप्टर्स अभी तक, पिछली वीडियो आप रेफर कर सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई आप लोगों की है ना, और आप बेटा कल से आप लोग आ सकते हो टाइम पे, टाइम है क्लास का 6 PM पे और 8 बजे, 6 बजे 8 बजे दो क्लासेस चल रही है, 6 बजे मेरी क्लास में एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड, और 8 बजे में समरी और क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हैं, तो बेटा आज ना टाइम पे मैं पढ़ा दूंगी, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सिद्धार्थ, यू आर आल्सो वेरी क्यूट, एवरीबॉडी इज क्यूट, एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ बेटा इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर है बेटा सॉफ्ट एंड काइंड, सॉफ्ट एंड काइंड नेचर, आज वो बड़े प्यार से फ्रांस, चलो बैठो अपनी सीट पे जाके, फ्रांस तुम लेट क्यों हुए, पहले वो ऐसे थे, अब ऐसे थे, फ्रांस साइलेंसर डाल दिया था बेटा उन्होंने, साइलेंसर समझ लो, वो काफी क्वाइट हो गए थे, आराम से साइलेंसर डाल के बात कर रहे थे आराम से, फ्रांस तुम लेट क्यों हो गए, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, बैठ जाओ सीट पे। फ्रांस का अल्लाह ये क्या हुआ, अल्लाह राइट, ये क्या हुआ, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज एम हैमिल, क्या वो एक डिटेक्टिव थे, स्पाई मतलब डिटेक्टिव है ना, लैंग्वेज टीचर थे बेटा है ना, या फिर सोल्जर थे, या फिर स्कूल के प्रिंसिपल थे, कौन थे? रसोड़े में कौन था, एम हैमिल कौन था, चलिए बताओ मुझे। हाँ बेटा, हाँ क्लास पूरा हो गया आज, थोड़ा सा क्लास बचा है, थोड़ा सा पूरा हो गया। यस ही वॉज अ लैंग्वेज टीचर, बी इज द राइट ऑप्शन। वीवला फ्रांस का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीवला फ्रांस, इमोशनल एविडेंस, कैन यू प्लीज गिव मी द चार्जर। हेलो चालीस साल से पढ़ा रहे थे, यस वीवला फ्रांस का क्या मतलब था भाई, इमोशनल एविडेंस किस चीज का था बेटा, सैडनेस और पेट्रियोटिज्म का, फाइनलिटी इन डिप्रेशन का, नॉस्टैल्जिया एंड इमोशनल आउटब्रेस्ट का, या फिर लव फॉर स्कूल। 6 बजे कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा, कल पढ़ेंगे पार्ट बी ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग, मुकेश की कहानी, एनसीईआरटी की जुबानी, और साथ में पढ़ेंगे हम लोग पोएम माई मदर एट 66 की क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है प्रियांशु, माय मदर 66 की क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, और मुकेश की कहानी, एनसीईआरटी की जबानी वो पढ़ेंगे, ठीक है ना? यस ओके, सैडनेस एंड पेट्रियोटिज्म इज द राइट आंसर बेटा, सैडनेस एंड पेट्रियोटिज्म इज द राइट आंसर, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, दैट इज ऑल फॉर टुडे, क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ बच्चा इसके, यू कैन चेक द वीडियो, रिविजन जब कराऊंगी तब पढ़ाऊंगी क्वेश्चन इसके, अजय इसके क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं बेटा, चैनल पे वीडियो डली हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉ स्प्रिंग करके, चैनल पे जाके चेक कर लो, अगर फिर भी कोई डाउट हो मुझसे कल पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू शगुन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, मुकेश की कहानी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की जुबानी 6 बजे,
साथ में 8 बजे पढ़ेंगे माई मदर एट 66 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दैट इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल क्लास. आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द क्लास. सेशन को लाइक कर दो यार. अगर क्वेश्चन आंसर्स अजय बता तो दिया मैंने, अजय मैंने बता दिया आपको बेटा, क्वेश्चन ऑलरेडी इसके हो चुके हैं. लिंक चेक कर लो जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा. 8 बजे वाली क्लास का लिंक चेक कर लो जाके, वहां पर क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे बच्चा. ओके 41 out of 41. यस यस यस, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी. थैंक यू से प्रीत. गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स. टेक केयर, स्लीप वेल एवरीबॉडी, एंड वी कीप स्माइलिंग. डोंट डिसरिस्पेक्ट एनी टीचर. एवरीबॉडी इज डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू गाइज. आप लोग का काम है पढ़ना, है ना? आप लोग का काम पढ़ना है बेटा, आप लोग का काम पढ़ना है बेटा. गुड इवनिंग. हाँ बेटा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बेटा, मैं हो करा दूंगी. प्रियांशु मैं करा दूंगी बेटा, एडवांस करा दूंगी मैं, ठीक है? डोंट डिसरिस्पेक्ट एनीबडी बेटा. एवरीबडी इज डूइंग गुड. हर कोई बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ा रहा है बेटा, मेहनत कर रहा है. कब होगा स्टार्ट बेटा? विस्तार स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी. अन अकेडमी पे चल रहा है, ठीक है? एंड दैट इज ऑल फ्रॉम टुडे फ्रॉम माई साइड. थैंक यू एवरीबडी. सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग. ठीक है, गुस्सा गुस्सा मत करो अपना, अपनी एनर्जी को सेव करो और अपनी पढ़ाई पे लगाओ, अपने विजन पे एनर्जी पे लगाओ, ठीक है ना? फालतू की बातों में मत करो बेटा. आपको आप लोग का काम नहीं है सब सोचना. एवरीबडी इज डूइंग हार्ड वर्क फॉर यू, ठीक है? समझ रहे हो? बाय बाय, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स. कल मिलते हैं 6 बजे की क्लास में. 6 बजे की क्लास में कल क्या पढ़ने वाले हम लोग? 6 o'clock की क्लास में बेटा मुकेश की कहानी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की जुबानी. 8 बजे वाली क्लास में पढ़ेंगे माई मदर एट 66 के क्वेश्चन, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल, है ना बेटा? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात. 6 बजे वाली जो क्लास होती है ना आप लोगों की, 6 PM पे जो क्लास होती है, उसमें मैं पढ़ाती हूँ आप लोग को. क्या पढ़ाती हूँ मैं आप लोग को? एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ इसमें मैं पढ़ाती हूँ एनसीईआरटी, ठीक है ना? और जो 8 बजे वाली क्लास होती है इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है? तो बेटा अजय मैंने आपको वहां पर सेंड किया हुआ है बेटा, मैंने आपको सेंड किया हुआ है ऑलरेडी वहां पर. आप एक बार जाके टेलीग्राम पे चेक कर लो बच्चा. कल प्री बोर्ड है, कोई डाउट आ रहा तो प्लीज पूछ लो मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अजय कोई डाउट है तो बताओ मुझे, क्या डाउट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तुम लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. मैं डिलीट नहीं कर रही हूं आपके मैसेजेस, मैं क्यों डिलीट करूंगी? थैंक यू राम बाबू फॉर योर काइंड वर्ड्स. बहुत अच्छे वर्ड्स है बेटा आपके राम बाबू, बहुत अच्छे वर्ड है बेटा. थैंक यू रितिका, थैंक यू एवरीबॉडी. चलो बच्चा लेट्स रॉक इट. इंग्लिश पढ़ेंगे, यस यस यस, ठीक है? चलो ऑल राइट, आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर हो गए. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ बेटा गेस्ट पेपर कराऊंगी मैं, यस 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 सब कराऊंगी. चलो ऑल राइट, टेक योर स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय 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 बाय, ठीक है? नहीं हाशिम आई एम नॉट इंटरेस्टेड बच्चा, कांट यू लिसन टू मी वंस? चलो ऑल राइट, बाय बाय, टेक योर, एंड आई होप यू लाइक द क्लास. नहीं बेटा मैं क्लास में प्लस पे नहीं हूं बेटा. टाइम बता दूं क्लास का बेटा, एक क्लास आप लोग की चल रही है. देखो मेरी बात सुनो, एक क्लास चल रही है आपकी 6 PM पे जिसमें मैं एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ बेटा, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ. एक चल रही है 8 बजे क्लास, सेम टाइम सेम चैनल पे सेम जगह पे, ठीक है? इसपे पढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स और समरीज पढ़ रहे हैं. इसपे अभी चल रही है पोएम, आप लोग की पोएम 1 पढ़ा रही हूँ मैं. माई मदर एट 66 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी कल, ठीक है ना? एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ये सब चीजें कराऊंगी, ठीक है? चलो ऑल राइट, थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स. इट वॉज इनॉर्मस, इट वॉज वंडरफुल क्लास गाइज, बहुत ही अच्छी क्लास हुई आज आपकी. आई होप यू एंजॉय द सेशन. जितने लोगों ने सेशन अच्छे से इंजॉय करा है बेटा, फटाफट लाइक कर दो सेशन को अगर अभी तक नहीं करा है, ठीक है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना? चलो हाँ बेटा, टेस्ट दूंगी तुम्हें मैं, यस. चलो ऑल राइट, बाय बाय, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, स्लीप वेल एवरीबॉडी, एंड
कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग ऑल द टीचर्स आर डूइंग हार्ड वर्क डू नॉट स्प्रेड हेट्रेड बच्चा किसी के लिए भी मत करो है ना ठीक है चलो बाय बाय आप अच्छे हो ना बेटा आप अच्छे रहो कोई कुछ भी कर रहा है उसे करने दो आप यू आर गुड आप अच्छे हो बेटा आपका फोकस नहीं हटना चाहिए यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर एम ठीक है ना आपका जो एम है आप वो करो ठीक है ना चलो ऑल राइट बाय बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर स्लीप वेल बी गुड बी जेंटल विद एवरीबॉडी बी हम्बल विद एवरीबॉडी है ना चलो चलो बाय बाय गुड नाइट एवरीबॉडी सी यू टुमारो 6 PM पे और 8 PM पे मिलते हैं बाय बाय